Hello everyone, assalamu alaikum. So let me share my screen with you. ऑर्डर सैम्पलिंग जिस तरह हम सबको पता है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर प्रोसीजर्स वो कंट्रोल के हों या सब्सटेंटिव हों टू लेस देन 100% ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। एंड जिस तरह अभी अब्दुल्ला डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल्स की सारी उन उन सब की आपको एट्रीब्यूट टेस्टिंग। सो सैम्पलिंग इज अ वेरी की टॉपिक कि आप उसको किस तरह से मनूवर करेंगे, आप उसको किस तरह से लेके चलेंगे, और ये वेरी करेगा आपके अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हैं या आप सब्सटेंटिव टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ा और लेट मी जस्ट मिनिमाइज द विंडो हियर। ओके यस, जो सबसे बड़ा सैम्पलिंग का रिस्क है वो ये है कि ऑडिटर जो जजमेंट ड्रॉ करेगा जो उसने सैम्पलिंग के बेस पे की है वो डिफरेंट होगी अगर उसने वो इंटायर पॉपुलेशन टेस्ट टेस्ट की होती अपने स्कोप में। जिन्स हम कंट्रोल्स टेस्ट करते हैं और सब्सटेंटिव टेस्ट करते हैं तो कंट्रोल्स में क्या एरोनियस कंक्लूजन हो सकता है कि हम कंक्लूड करें दैट कंट्रोल्स आर एक्चुअली ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग दैट मच इफेक्टिवली और मटेरियल मिसस्टेटमेंट डू एग्जिस्ट। सेकेंड कंक्लूजन ये हो सकता है कि हम गलत कंक्लूड करते हैं कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे और मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं, जबकि हकीकत में कंट्रोल्स ऑपरेट भी इफेक्टिवली कर रहे होते हैं और मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती। तो इसकी दोनों साइड है और दोनों साइड ही हम कवर कर रहे हैं। अगेन सैम्पलिंग रिस्क हम इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस भी कर सकते हैं और इनकरेक्ट रिजेक्शन भी कर सकते हैं। अब नॉन सैम्पलिंग रिस्क और सैम्पलिंग रिस्क को डिवाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि सैम्पलिंग रिस्क वो है जो कि हमें अपनी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हमने उसको कैसे मिनिमाइज किया है। वो हम अपने डिफरेंट वेरियस टेक्निक से कर सकते हैं और यहाँ पे ही हमारे आई कैप या रेगुलेटर जो है वो यहाँ पे हमें टेस्ट कर सकता है। सैम्पलिंग रिस्क को अवॉइड, सैम्पलिंग के जो क्रिटिकल जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वो ये है कि ऑडिटर ने ये कंक्लूड करना है कि उसकी अपनी बायसनेस इतनी नहीं थी। जो ऑब्जेक्ट जो उसने सैंपल सिलेक्ट किया वो फ्री था फ्रॉम एनी हिज पर्सनल बायसनेस। हाँ, उसमें ऑब्वियसली उसकी एक सैम्पलिंग में हो सकती है कि मैं अपनी सिलेक्टिव सैम्पलिंग कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई जजमेंट, बट उसमें कोई बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अब नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? वो कोई भी रिस्क जो कि हम सैम्पलिंग की वजह से के बगैर हो सकता है कि हमने जो पॉपुलेशन सिलेक्ट की थी उसमें वो रेलिवेंट रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेवेन्यू की एग्जिस्टेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जाना पड़ेगा। हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो सेल्स इनकर ड्यूरिंग द पीरियड होगी तो हम उसको ट्रेस करेंगे फ्रॉम द इनवॉइसेस। अगर हमें लाइबिलिटीज की कंप्लीटनेस को चेक करना पड़ेगा तो हमें बुक से बाहर जाना पड़ेगा और उसकी भी हमें ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो ये इंटेंडेड पॉपुलेशन है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क हो जाएगा। फिर ये रिस्क हो सकता है कि हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही कंसिडर नहीं की। जो हमें डेटा क्लाइंट ने दिया, जो डंप हमें मिला, जो जीएल के ट्रांजेक्शन मिली, वो ट्रांजेक्शन पूरी पीरियड की ट्रांजेक्शन थी ही नहीं। फिर ये हो सकता है कि हमारे जो प्रोसीजर थे वो स्पेसिफिक रिस्क को उसको टैकल करने के लिए थे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेसिंग और वाउचिंग का मसला आ सकता है। अगर आपने एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है तो आप वाउचिंग पे जाएंगे, और अगर आपने कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी है तो आप ट्रेसिंग पे जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैंने अपना सैंपलिंग रिस्क को कंट्रोल करना है तो मुझे ये सबसे पहले डिटरमिन करना पड़ेगा कि किस लेवल का रिस्क जो है जो कि मुझे एक्सेप्टेबल होगा। नॉर्मली हम ऑडिट रिस्क को 5% तक, एक जनरली प्रिंसिपल है कि इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन हम कहते हैं कि अगर 95% तक मुझे कॉन्फिडेंस अचीव हो गया है उस टेस्टिंग से, सो ऑडिटर कैन सेफली अज्यूम कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती या कंट्रोल एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें तीन फैक्टर्स हैं जो कि हम पे डिपेंडेंट है। और बेसिकली ये हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का जो एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से निकलता है, और फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं डिटेक्शन रिस्क को अपनी टेस्टिंग से ताकि हमारा ओवरऑल ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए। जिस जैसे टेबुलर फॉर्म हम सारे इससे अवेयर हैं। इनहेरेंट रिस्क है, ऑडिटर कैन नॉट डू मच अबाउट दैट। हम सिर्फ असेस कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि कौन सा आइटम जो ज्यादा क्रिटिकल होगा, कौन सा आइटम नहीं ज्यादा क्रिटिकल होगा। फॉर इंस्टेंस, कैश की एग्जिस्टेंस इनहेरेंटली ज्यादा हाई रिस्क आइटम है। अगर आप डेफर टैक्स के लिए, डेफर टैक्स की कैलकुलेशन एक इनहेरेंटली एक हाई रिस्क चीज है। गोइंग कंसर्न असेसमेंट लें, डिस्काउंट्स और उसकी जो जितना फ्यूचर में कैश हो जाएंगे वो इनहेरेंटली रिस्की चीज है। फिर हम आ जाते हैं कंट्रोल रिस्क पे। कंट्रोल रिस्क
भी ऑब्वियसली जैसा अभी फाहद डिस्कस कर रहे थे सारी प्रेजेंटेशन में अपनी, कि कंट्रोल रिस्क, हाँ हम एवेल्युएट कर सकते हैं कि कंट्रोल रिस्क कंट्रोल पे रिलाय करना है या नहीं करना, कंट्रोल रिस्क हाई है या लो है, लेकिन हम इसको अगेन हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना एक डिसीजन ले सकते हैं, हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का जो एक मल्टीप्लीकेशन या इस दोनों का कंबाइन फैक्टर कहलाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसे हम आइजर 315 में और असेस करते हैं और 330 में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब डिटेक्शन रिस्क है कि हमने ओवरऑल जो हमारा ऑडिट रिस्क है उसको कम करना है। अगर मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत भर चुका है तो ऑब्वियसली मुझे अपनी टेस्टिंग बढ़ानी है ताकि मैं अपना डिटेक्शन रिस्क कम कर सकूं और ओवरऑल ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आ सकूं। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि हम कहां कहां पे ऑडिटिंग सैंपलिंग को यूज करेंगे ताकि हम अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। अच्छा, अब सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी पॉपुलेशन डिफाइन करनी है। अगर आपकी पॉपुलेशन ही कंप्लीट नहीं है या आपकी पॉपुलेशन राइट पॉपुलेशन नहीं है तो ऑब्वियसली जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो भी राइट नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, आप एक माइक्रो फाइनेंस का ऑडिट कर रहे हैं और उस माइक्रो फाइनेंस में आप क्रेडिट ऑपरेशंस को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जब क्रेडिट ऑपरेशंस को टेस्ट करेंगे, जो फैसिलिटीज एक्सटेंड होंगी उसको टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपका सैंपल क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा डिस्बर्समेंट्स का, सॉरी ईयर एंड बैलेंसेस का, उसके लिए आपके लिए जो रेलिवेंट पॉपुलेशन होगी वो डिस्बर्समेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर होगी, क्योंकि जो आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से आ रहा होगा उस पर आप नॉर्मल कंट्रोल डिस्बर्समेंट के प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उसमें आप क्रेडिट कंट्रोल के प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उसमें आपकी रिकवरी असेसमेंट चल रही होगी। जबकि अगर आप उस एंटिटी के कंट्रोल प्रोसीजर्स को उसकी असेसमेंट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे कंट्रोल लगेगा जहां पे आप उसने लोन दिया होगा, और लोन की पॉपुलेशन को कौन सी होगी जो कि लोन डिस्पर्स होंगे उस साल में, ना कि उसका क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि उसमें कुछ ओपनिंग से भी आ रहे हो। तो ये बहुत क्रिटिकल चीज है कि आप असेस करें कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो राइट पॉपुलेशन है भी या नहीं है। फिर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है क्या वो होमोजीनियस है, क्या आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्ट्रेटिफिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगेन सैंपलिंग में से जब सैंपल निकालेंगे तो आपने ये देखना है कि सैंपल रिप्रेजेंट करता हो उस तमाम पॉपुलेशन का। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं डिफरेंट के, तो वहां पर हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये एक असेसमेंट करें और हमारा वर्किंग पेपर रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि जो सारी की सारी पॉपुलेशन है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक्सपोर्ट सेल भी कर रहा हूँ, मेरी कंपनी कर रही है, और मैं लोकल सेल भी कर रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट सेल का प्रोसेस डिफरेंट है, इम्पोर्ट सेल्स का, सॉरी जो लोकल सेल्स है उसका प्रोसेस ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमें वहां पे अपने कंट्रोल्स को सेपरेट करना है विद स्पेसिफिक फॉर एक्सपोर्ट सेल्स एंड लोकल सेल्स, उसके लिए हमें अपनी पॉपुलेशन भी डिफरेंट तौर पे उसको स्टेटिफिकेशन करनी पड़ेगी। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर होमोजीनियस के लिए क्यों जरूरी है आपको डिटरमिन करना, कि अगर आप देखिए हमने सैंपल निकाला, वो आपका सैंपल आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब लेट्स से आपने उसमें से कोई एरर आइडेंटिफाई किया, अब उस एरर को आप, क्योंकि आपने कह रहे हैं कि ये सैंपल है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है ये जो एरर है ये भी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो जो आपने एरर निकाला है या उस सैंपल की बेस पर जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो कंक्लूजन आप पूरी पॉपुलेशन पे पॉपुलेट नहीं कर सकते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नॉर्मली डिड वी परफॉर्म अ सफिशिएंटली डिटेल्ड वॉक थ्रू ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कोर टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड एंड रिकॉर्डेड। अब ये अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आएगी जब आप सिस्टम डॉक्यूमेंट करने के बाद उसका एक डिटेल्ड वॉक थ्रू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम जो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में या एक नॉर्मल जो एक्सटर्नल रिव्यू है या इंटरनल रिव्यू में चीज नोट की जाती है वो ये की जाती है कि हमने वॉक थ्रू में कंट्रोल और उसके एनवायरमेंट के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कैप्चर नहीं किए। जब आप वो कैप्चर ही नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपने पॉपुलेशन की डिटरमिनेशन में पॉपुलेशन के कंट्रोल एट्रीब्यूट्स को असेस ही ना किया हो, आपने देखा ही नहीं कि ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसेस करती थी और कैसे वो डिफरेंटली रिकॉर्ड होती। अब अगेन अगर मैं फिक्स एसेट्स की बात करूं तो एडिशंस एक सेपरेट पॉपुलेशन है और क्लोजिंग बैलेंस जो आपकी एडिशंस का है वो एक सेपरेट पॉपुलेशन है।
डेप्रिसिएशन आपकी एक डिफरेंट पॉपुलेशन है और आपकी इंपेयरमेंट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे राइट पॉपुलेशन और उसकी राइट डॉक्यूमेंटेशन और उसकी राइट सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने राइट पॉपुलेशन डिटरमिन नहीं की तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सैंपल के बेस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो कंक्लूजन आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो जब हम कहते हैं कि जो हमने ऑडिट ओपिनियन दिया, ऑडिट ओपिनियन वाज नॉट बैक्ड बाय अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि हमने जब टेस्टिंग करते वक्त पॉपुलेशन की डिटर्मिनेशन ही नहीं की कि क्या ये हमारी जो पॉपुलेशन थी ये अप्रोप्रिएट थी, क्या ये पॉपुलेशन होमोजीनियस थी, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे। फिर सेकेंड थर्डली इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो पॉपुलेशन कंप्लीट थी भी या नहीं थी। अब इसमें कुछ सालों से एक बहुत चीज जो फ्रिक्वेंटली टेस्ट की जा रही है, क्योंकि जब पॉपुलेशन कंप्लीट होती है उसकी असेसमेंट क्या करते हैं, आप क्लाइंट से डेटा मांगते हैं, आप क्लाइंट को कहते हैं कि मुझे आप लिस्ट ऑफ सेल्स इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर की पूरी डिटेल दे दें। अब ये आप टेस्ट लगा रहे हैं किस चीज पे लगा रहे हैं, जो कि क्लाइंट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है। अब अगर उस क्लाइंट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी लेजिटिमेसी आप इंश्योर नहीं करेंगे तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो ठीक है नहीं है, क्योंकि आपने यही नहीं फैसला कर पाए कि जो पॉपुलेशन निकली थी क्या ये पॉपुलेशन ठीक थी या नहीं ठीक। तो इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी, और इसकी टेस्टिंग फर्स्ट पॉइंट होता है जब हम अपनी टेस्टिंग शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि क्या हमें सारा इंफॉर्मेशन मिला, क्या जो उसने कमांड दिया क्या उसने कमांड पूरे साल का दिया, क्या उसने सारे सेल्स के अकाउंट्स लिए या नहीं लिए फॉर इंस्टेंस, क्या जो सिस्टम ने प्रोसेसिंग की और उसने जो प्रोसेसिंग करके आउटपुट निकाला वो आउटपुट पे हम कितना रिलाय कर सकते हैं, वो प्रोसेसिंग कितनी एक्यूरेट है। लेट्स से आपने डेप्रिसिएशन की कमांड दी है, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली वो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से आपने उस कोई भी लिखे आपकी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी सेल्स हैं, आपका इन्वेंटरी की परचेजेस हैं, आपकी एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट्स की चीजें हैं, उन सब में तीन स्टेप्स होंगे। इनपुट क्या आ रहा है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है और आउटपुट क्या निकल रहा है और आउटपुट किस फॉर्म में निकल रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको क्लाइंट आउटपुट पीडीएफ फाइल में दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस बाय मैनेजमेंट है। लेकिन अगर आपको जो आपका आउटपुट है लेट्स से सेल्स की ट्रांजेक्शन है वो एक्सेल की फाइल में मिल रही है, तो इट्स वेरी इजी कि मैं खुद निकालूं सिस्टम से, अपनी मर्जी से नंबर्स चेंज करूं और आपको दे दूं। तो स्टार्टिंग पॉइंट जिस तरह आप बाकी जगह भी टेस्ट करेंगे, आईपी इज एज क्रिटिकल एज एनीथिंग, क्योंकि अगर आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसी पे ग्रिप नहीं हुई, इसी पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, तो आप जितनी मर्जी टेस्टिंग कर लें, आप इवन 100% भी टेस्टिंग कर लें, आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो आपके आपको बहुत मुश्किल से उसको सपोर्ट करना पड़ेगा आपके ऑडिट ओपिनियन। अगेन डिफाइनिंग द सैम्पलिंग यूनिट, आप डिफाइन करेंगे आपका सैम्पलिंग यूनिट क्या है, आपके गुड रिसीव नोट है, गुड डिस्पैच नोट है, ट्रांजेक्शन बिफोर द ईयर एंड है, ट्रांजेक्शन आफ्टर द ईयर एंड है। अगर आप लाइबिलिटी की कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो टेस्टिंग में होगा वो ट्रांजेक्शन आफ्टर द ईयर एंड होंगी। आपने देखना है कि आप किस तरह के प्रोसीजर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सैंपलिंग एप्लीकेशन द सर्कमस्टेंसेस, और आप देखते हैं कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज नो सैंपलिंग नो सैंपल ऑफ सैंपल टेस्टिंग। अगर आपका कोई सैंपल आपने निकाला है और उसमें आपको हम आगे जाके देखेंगे कि आपको कुछ डेविएशन नजर आ रही है या कुछ मिसस्टेटमेंट नजर आ रही है, अगर आप सब्सट्रैक्टिव टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपने उसको कैसे प्रोजेक्ट करना है, आपने उसे कैसे इवेल्यूएट करना है कि वो एक्सेप्शन थी या एनोमली थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक फ्रिक्वेंसी है कि हम क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों है कि जो आपका सैंपलिंग का जो पूरा मेथड है उसमें वो ऑडिटर की बायसनेस या ऑडिटर की अपनी जो मर्जी से चेंजेस को अवॉइड करना और उसको डॉक्यूमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये स्टेब्लिश किया जा सके कि मैंने सैंपल के यूनिट को चेंज नहीं किया। फॉर इंस्टेंस मैंने एक आइटम निकाला कंट्रोल के लिए भेजा, वो उस कंट्रोल में पता चला कि ये तो कैश ट्रांसफर था, बैंक ट्रांसफर था ही नहीं। हाँ, तब मैं सैंपल के उसको चेंज करके एक अपने सैंपलिंग टूल से एक अलग ट्रांजेक्शन निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता चला कि उस टेम्पल पे वो प्रोसीजर्स या उस कंट्रोल से एक्सरसाइज नहीं किए हुए थे और मैं अपनी रिलायंस के लिए कहूँ कि अच्छा भाई ये मैं ट्रांजेक्शन बाहर निकाल के और ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो
कोई मसला हो गया, वो बंदा अवेलेबल नहीं था, ये नहीं था, लेकिन मैं उसको ऑब्वियसली अनोमली नहीं कंक्लूड कर सकता, तो ये अलाउड नहीं है। इसी तरीके से कहीं जगहों पे होता ही है कि आपने रीजन्स में डिफरेंट जगह पे आपकी ब्रांचेस होती हैं और आप एक ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, और उस ब्रांच को सिलेक्ट करने के बाद आपने एक दफा सैंपलिंग कर ली, लेट से आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक है या आपके रिटेल आउटलेट्स हैं, 100 के करीब रिटेल आउटलेट्स थे, आपने उसमें से 10 सिलेक्ट किए। अब क्या उन 10 की आप 100% टेस्टिंग करेंगे? तो यहाँ पे आके सैंपल ऑफ सैंपलिंग डिफरेंट टेक्निक है। यहाँ पे आके जब आपकी पॉपुलेशन में एक डिफरेंट किस्म के यूनिट्स हैं जो कि डिस्पर्स लोकेशन पे हैं, उसकी गाइडेंस अकॉर्डिंगली डिफरेंट है, उसके लिए हो सकता है हम उस सैंपलिंग यूनिट को डिफरेंट ट्रीट करें, उसको एक एंटिटी ट्रीट कर लें, लेकिन ये सैंपल ऑफ सैंपलिंग डिफरेंट है और जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो डिफरेंट है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कि एक ही लोकेशन पे है और एक ही हम कैप्शन को या लाइन आइटम को टेस्ट कर रहे हैं। अब सैंपल साइज आपका इतना होना चाहिए कि आपका सैंपलिंग रिस्क रिड्यूस किया जा सके टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। अब ऑब्वियसली सबसे पहले इसके इंपैक्ट करेगा आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि आपका कंट्रोल रिस्क कितना है और आपका इनहेरेंट रिस्क कितना है। पॉपुलेशन के साइज पे भी डिपेंड करेगा और पॉपुलेशन के इंडिविजुअल आइटम्स पे भी डिपेंड करेगा। फिर है कि आपने कितनी प्रिसीजन के साथ उस कंट्रोल को एक्सरसाइज करना है, उस सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को टेस्ट करना है, आपकी रिस्क असेसमेंट क्या है और आपका एक्सपेक्टेड एरर रेट या डेविएशन रेट क्या है। हम नॉर्मली एक्सपेक्टेड रेट या डेविएशन रेट हमेशा जीरो कंक्लूड कर देते हैं कि भाई इसमें कोई हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, विदाउट गिविंग एनी डॉक्यूमेंटेशन के पास्ट में हमारा क्या हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है, हम क्या कंट्रोल्स में कितनी चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं, विदाउट रिगार्ड टू एनीथिंग हम इसको जीरो कर देते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा चैलेंज किया जा रहा है बाय रेगुलेटर्स। सैम्पलिंग अप्रोच में दो तरह की अप्रोचेस हैं, स्टेटिस्टिक सैम्पलिंग एंड नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग। अगर आप मैथमेटिकल रूल से कुछ सैम्पलिंग कर रहे हैं वो स्टेटिस्टिकल है, जिसमें हर आइटम ऑफ सैंपल को एक इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया, तो आप उसको सैंपलिंग रिस्क कहेंगे। और सैंपलिंग रिस्क में स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सैंपलिंग रिस्क को क्वांटिफाई कर सकते हैं और आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसी वजह से जो स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग की जो टेक्निक है वो रेगुलेटर्स की तरफ से कम चैलेंज की जाती है एज कम्पेयर टू नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग, क्योंकि आपका ऑडिटर का उसमें पर्सनल बायसनेस की इतनी गुंजाइश नहीं होती। हाँ, नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग में ऑब्वियसली मैं ऑडिटर हूं, अगर मुझे समझ लगती है कि यार हम ये रिस्क या ये आइटम या ये पर्टिकुलर लोकेशन मोर प्रोन टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये उस सिचुएशन में होगा कि जब मुझे उसमें कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे इस जजमेंट की रीजन क्या है। ऑडिटर की जजमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते अगर ऑडिटर ने अपने उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया, उस जजमेंट इज सपोर्टेड बाय रैशनल। हाँ, अगर आपने वैसे ही कर लिया कि हमने हैब निकाल लिया, वो आइटम सिलेक्ट कर लिया, जो करीब की लोकेशन थी वो सिलेक्ट कर ली, जो दूर की लोकेशन थी वो टेस्ट नहीं की, ये चीज आपके ऑडिट आपके रिव्यू में इशू डालेगी। मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन नॉर्मली है रैंडम सिलेक्शन, जो कि कंट्रोल्स में यूज किया जाता है बहुत ज्यादातर, और अगर हम सब्सटेंटिव टेस्टिंग की बात करें तो जब हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालते हैं उसमें भी रैंडम सिलेक्शन होती है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग है, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग है, हैपहैज़र्ड सिलेक्शन सिलेक्शन है और ब्लॉक सिलेक्शन है। इन सब ट्रांजेक्शन को हम बारी बारी देखेंगे। रैंडम सिलेक्शन है, अगेन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग है, जिसमें हर पॉपुलेशन या हम इंडिविजुअल स्टेटा का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। इसमें यह है कि आप एक्सेल को यूज करके रैंडम टेबल जनरेट कर सकते हैं, जनरेटर्स अवेलेबल हैं। अगर मतलब नॉर्मली आपके पास सेपरेट टूल नहीं है तो एक्सेल की फंक्शनैलिटी होती है जिसमें आप लगा के आप उसे आप बताते हैं कि लेट से आपका नंबर था 10,001 से लेके 15,020 तक इनवॉइसिस के नंबर थे, और आप उसे वो डिजायर्ड सैंपल यूनिट दें तो वो आपको रैंडमली बेसिस पे लेट से 11,044 सेलेक्ट करके दे सकता है। हाँ, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो का रिजल्ट्स निकले हैं आपके सैंपल टूल के उसको कैप्चर करें, ताकि आप ये शो केस कर सकें कि 11,244 आपने अपनी मर्जी से अपनी सिलेक्शन से सिलेक्ट नहीं किया था, ये आपको सैंपल ने दिया था जिसमें आपकी बायसनेस इन्वॉल्व नहीं थी। अब यहाँ पे जैसे जब रैंडम से करते हैं, ऑब्वियसली रैंडम कोई भी वेट नहीं देता मॉनिटरी आइटम को, तो ऑब्वियसली जो रैंडम से सैंपल निकलता है वो एमयूएस के सैंपल से ज्यादा होता है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग है, इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम जो सैंपलिंग यूनिट्स हैं उसको डिवाइड कर देते हैं।
ताकि और फिर एक पहला इक्वल पॉपुलेशन से मैंने 1000 आइटम थे और मैं 20 का सैंपल चाहता हूँ, तो मैं 20 को 1000 को डिवाइड कर दूंगा 20 पे और पहला इंटरवल में एक रैंडम सिलेक्शन से ले सकता हूँ। लेट्स से 50th आइटम सिलेक्ट किया, 50th आइटम के बाद मैं करूँ हर 100 आइटम 150 मैंने सिलेक्ट किया, 250 सिलेक्ट किया, 350 सिलेक्ट किया, 450 सिलेक्ट किया। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सैंपल कैन बी रेंडर्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बट आइजा इंपॉर्टेंट चीज है कि आइजा 530 कहता है कि इट इज मोर लाइकली टू बी अ ट्रूली रैंडम इफ द यूज ऑफ द रैंडम नंबर जनरेटर और द नंबर रैंडम नंबर टेबल्स आर यूज्ड। तो अभी भी आइजा 530 कहता है कि इसमें भी आपका कुछ बायसनेस, क्योंकि आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि आप आफ्टर हाईली 100 आइटम सिलेक्ट करें, इसमें हो सकता है कि अगर मैं भी उस बैकग्राउंड से आया हूँ, ऑडिटर हूँ और मैं आप सीएफओ के रोल में हूँ और मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि मैं पॉपुलेशन को ऐसे स्प्रेड आउट करूँ कि लेट से हर 20th आइटम और 40th आइटम मैंने मिसटेट किया हुआ है फॉर इंस्टेंस, या उसमें कंट्रोल एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है, तो अगेन ये ट्रूली रैंडम नहीं होगा। स्टैंडर्ड ये अप्रिशिएट करता है कि अगर आप नंबर जनरेटर्स को यूज करें या रैंडम नंबर टेबल यूज करें तो वो आपके ज्यादा ट्रूली रैंडम होंगे। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग में एज द नेम सजेस्ट वी गिव अ वेट यू नो इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी अमाउंट एट्रिब्यूटेड टू दैट पर्टिकुलर आइटम। ये कंट्रोल के लिए यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अमाउंट आएगी। हम ये करते हैं कि हम वेट असाइन करते हैं कि जितनी अमाउंट ज्यादा बड़ी है उसका चांस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, मुझे नेसेसरी कवरेज भी मिल जाएगी और मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। इसमें जीरो बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस सिलेक्शन के चांसेस फिर नहीं होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप रिसीवेबल्स को टेस्ट कर रहे हैं और रिसीवेबल्स की सिलेक्शन में कुछ क्रेडिटर्स इन्वॉल्व हैं या उन लोगों जिन्होंने आपको ज्यादा पैसे दे दिए, तो वो जीरो या नेगेटिव बैलेंस इसमें फिर नहीं आ पाएंगे। हैपहैज़र्ड सैंपलिंग है, इसकी कोई स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग टेक्निक नहीं है, आप कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं है, नॉट एप्रोप्रिएट है जब स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज कर रहे होते हैं। इसमें आपका कॉन्शियस बायसनेस इन्वॉल्व होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट थोड़ा सा अंडरमाइन हो जाता है, जिस वजह से ये इतना पॉपुलर नहीं है अमंगस्ट ऑडिटर्स, बिकॉज जितना ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग से दूर होता जाएगा ऑडिटर को अपनी पोजीशन जस्टिफाई करना मुश्किल होता जाएगा। क्यों मुश्किल होता जाएगा, ऑब्वियसली वो बैक नहीं कर रहा होगा फ्रॉम सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक या टूल, और उसमें फिर ऑब्वियसली आपको ये डॉक्यूमेंट करना मुश्किल होगा कि आपने जो कंक्लूजन रीच किया है वो वही होता अगर आप एक स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का टूल यूज करते। ब्लॉक सिलेक्शन है, अगेन ये भी एक नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है। इसमें आप ये करते हैं कि आप एक ब्लॉक का ब्लॉक सेट कर लेते हैं, आपको लगता है यार ये कंटेजियस आइटम है, हाँ ये कहीं चीज पे बहुत यूज होता है। लेट से अगर आपने देखा आपकी अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट से आपने समझा कि लेट से जुलाई टू अगस्त में सीएफओ नहीं था और उसकी जगह पे जो सेकंड इन कमांड था या डिप्टी सीएफओ था वो रोल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर रहा था, तो आपने कहा भाई सीएफओ को तो हमने उस पॉपुलेशन में प्रायस है कि हाँ भाई ये तो अपना कंट्रोल प्रॉपर कंट्रोल एट्रीब्यूट के लिहाज से टेस्ट कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था अपने कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन आपने देखा कि इस 1.5 महीने में सीएफओ अवेलेबल नहीं था, तो आपने कहा इस डेट के 1.5 महीने को पकड़ लो, इसको टेस्ट करते हैं। इसमें आप डिफरेंट ब्लॉक भी बना सकते हैं, आप जनवरी से अगस्त का एक ब्लॉक बना सकते हैं, अगस्त से सितंबर का एक ब्लॉक बना सकते हैं, फिर सितंबर से अक्टूबर का आप थर्ड ब्लॉक बना सकते हैं। अगेन जैसे मैं पहले जिसको आप सैंपलिंग की सैंपल की फर्दर सैंपलिंग नहीं करेंगे, आपके जो प्रोसीजर्स होंगे जो डिजाइन सेटअप प्रोसीजर्स होंगे वो ईच एंड एवरी आइटम सिलेक्टेड पे अप्लाई होंगे। रिप्लेसमेंट आइटम सिर्फ तभी सिलेक्ट करेंगे कि अगर वो आइटम जो आपने सिलेक्ट कर लिया है अपने सैंपल में उस पर वो आपके प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंक ट्रांसफर्स पे चल रहा हूँ और मैंने बैंक ट्रांसफर निकालने में मुझे वहां पे टेस्ट करते हुए अंदर कोई जनरल एंट्री नजर आ जाती है, कोई करेक्शन ऑफ किसी चीज की बैंक चार्जेस या कुछ भी नजर आ जाता है जो मेरे उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहा, कैश ट्रांसफर आ सकता है, तो तब मुझे अलाउड है कि मैं उस सैंपल को चेंज करके एक रिप्लेसमेंट आइटम सिलेक्ट कर लूँ। अदरवाइज अगर आपने वो सैंपल लिया और आपको कोई कंट्रोल डेविएशन नजर आ गई उस सैंपलिंग यूनिट में से या आपको मिसस्टेटमेंट नजर आ गई, तो तब आपको अलाउड नहीं है अनलेस एंड अंटिल आप ये एस्टैब्लिश कर सकें कि ये एनोमली थी या एक्सेप्शन थी, आप रिप्लेसमेंट आइटम की तरफ जा सकते। अब जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट। आपने सैंपलिंग कर ली, आपने टेस्टिंग कर ली, कंट्रोल के जब आप कंट्रोल टेस्ट कर रहे होंगे तो वो डेविएशन होगी और जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब वो आपकी
मिसस्टेटमेंट होगी. इफ अनेबल टू अप्लाई डिजाइंड और अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू द सिलेक्टेड आइटम, द आइटम विल बी ट्रीटेड एज अ डेविएशन इन केस ऑफ कंट्रोल एंड अ मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स. एनोमली क्या होगी? Obtain high degree of certainty that such deviation misstatement is not a representative of the entire population. It does not affect the remainder. फिर आप उसको segregate करके आप जिस समय बताता है आप एक replacement item test कर सकते हैं. अब यहाँ पे important चीज़ है substantive test के लिए या test of details के लिए. Let's say आपके एक population थी उसमें 1 million आपका balance है receivable का. अब उसमें से आपने सिलेक्ट किया की आइटम्स. की आइटम्स ऑब्वियसली आपने मटेरियलिटी की बेस पे या आप आपने अपने थ्रेशोल्ड्स के बेस पे डिटरमिन कर लिए कि लेट से 200 से ऊपर जितना अमाउंट होगा वो मेरे लिए क्वांटिटेटिवली मटेरियल होगा और आपने वो सिलेक्ट करके उसको टेस्ट किया. अब जब आपने की आइटम टेस्ट कर लिए और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन बची थी उस पर आपने सैम्पलिंग की है, तो जो की आइटम की टेस्टिंग की जो रिजल्ट होंगे वो आप पॉपुलेट नहीं कर पाएंगे रिमेनिंग पॉपुलेशन पे. वो आपकी एक्चुअल मिसस्टेटमेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपने 200 टेस्ट किया यहाँ पे, इसमें से आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकली 10 की, बाकी 800 में से आपने सैंपल निकाला 400 या लेट से 400 का और उसमें से आपको मिसस्टेटमेंट निकली 20 की. तो जो आप टोटल 1 मिलियन में से पॉपुलेशन मिसस्टेटमेंट निकालेंगे वो क्या होगी, 10 यहाँ की प्लस 20 जो 400 में से निकाला था प्लस 20 अनदर, क्योंकि आप उसे प्रोजेक्ट करेंगे 800 मिलियन पे. तो आपकी टोटल मिसस्टेटमेंट बनेगी वो 20 + 20 = 40 और प्लस की आइटम की 10 = 50 आपकी मिसस्टेटमेंट निकलेगी. लेकिन की आइटम्स को याद रखें, आप कभी भी पॉपुलेट नहीं करेंगे ऑन द एंटायर पॉपुलेशन. अच्छा जी, अब प्रोजेक्शन की मैं जैसे आपको पहले डिस्कस करता था पिछली स्लाइड में भी यही था. आप जब प्रोजेक्ट करेंगे आपने इंश्योर करना है कि जो मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है इज कंसिस्टेंट विद द मेथड यूज्ड टू सिलेक्ट द सैंपलिंग यूनिट, व्हिच इज इन एडिशन टू कंसीडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एरर्स फाउंड. व्हेन द पॉपुलेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन, द प्रोजेक्शन ऑफ एरर इज डन सेपरेटली फॉर ईच सब पॉपुलेशन एंड द रिजल्ट्स आर कंबाइंड. कंट्रोल्स के लिए आप कोई प्रोजेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो डेविएशन रेट बताएगा. लेट्स से आपने 25 ट्रांजेक्शन टेस्ट की और उसमें से आपकी 5 ट्रांजेक्शन मतलब उसमें से आप कंट्रोल एक्सेप्शन नोट किया आपने, तो वो 20% डेविएशन रेट है. वो आपकी पॉपुलेशन के लिए भी 20% ही होगा, उसमें कोई आपका आपको एक्स्ट्रापोलेट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लेट्स से जब आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकाला, क्लाइंट ने कहा उसमें से कि भाई मैं आपने जो पॉपुलेट किया था वो 40 की मिसस्टेटमेंट पॉपुलेट की थी और आपने जो आइडेंटिफाई किया था वो आपने 20 की मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की थी फ्रॉम जो आपका सैंपलिंग यूनिट है उसमें से. क्लाइंट कहता है कि ठीक है मैं आपको 20 का एरर निकला ना, मैं 20 को ठीक कर देता हूं. फिर क्या करेंगे आप? क्या आप पॉपुलेट करेंगे एंटायर पॉपुलेशन पे या आप अपना कंक्लूड करके आप कहेंगे हाँ मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है? जी मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, ये इसका रिस्पॉन्स में चाहूंगा कि अगर आपने की आइटम्स को हम निकाल देते हैं, जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया रैंडम सैंपल था फॉर इंस्टेंस, उसमें से क्लाइंट कहता है कि भाई ठीक है जो आपने मिसस्टेटमेंट निकाली है मैं उसे ठीक कर देता हूँ 20 मिलियन की जो मिसस्टेटमेंट, तो आपका रिजल्टेंट मिसस्टेटमेंट कितना बैलेंस एग्जिस्ट करता होगा आउट ऑफ 1 मिलियन जो हमने पहले 50 मिलियन का निकाला था, सॉरी 1000 मिलियन. अस्सलाम वालेकुम सर. सर वैसे तो इसको प्रोजेक्ट होना चाहिए बट प्रैक्टिकली होता नहीं है. जितनी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है उतनी क्लाइंट एडजस्ट कर लेता है, तो प्रोजेक्शन वाला जो है वो इन प्रैक्टिस वो चीज नजर नहीं आती. इसमें इधर रॉकेट साइंस नहीं है. लेट्स से अगर क्लाइंट 20 मिलियन को ठीक कर रहा है तो सिर्फ उस 400 मिलियन की पॉपुलेशन में से ठीक कर रहा है. वो रिमेनिंग 400 मिलियन में क्योंकि पॉपुलेशन हम कह दें कि वो सेम है, दोनों होमोजीनियस है, तो इसका मतलब अगर इस 400 मिलियन में 20 मिलियन की मिसस्टेटमेंट है तो जो मैंने 400 मिलियन टेस्ट नहीं किया उसमें से भी 20 मिलियन की मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है. तो मैं क्लाइंट को कहूंगा भाई आप 40 मिलियन की मिसस्टेटमेंट को ठीक करें. आप 20 मिलियन की मिसस्टेटमेंट को ठीक करेंगे वो मेरे लिए अभी भी ठीक है, लेकिन वो अभी भी अनरिजॉल्वड है क्योंकि आपने 20 मिलियन को अभी भी आपने करेक्ट नहीं किया. तो मैं अभी जब निकालूंगा मैं
फॉर 50 मिलियन में से जो उन्होंने ठीक कर दिया होगा -20 मिलियन उसको लेस कर दूंगा और 30 मिलियन मेरी एक्चुअल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती होगी एज एट टेस्टिंग की डेट पे. अच्छा जी, ये एक टेबल है छोटा सा, आप कैसे एवेल्युएट करेंगे कि आपका जो ऑडिट सैंपलिंग का टेस्ट है रिजल्ट है उसको अपने ऑडिट ओपिनियन के लिए. मिसस्टेटमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी नेचर क्या थी, कॉज क्या था और वो मिसस्टेटमेंट कितने हद तक आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. अब अगर आप पहला सिनेरियो लेते हैं कि मिसस्टेटमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू अ कॉमन फीचर, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी ऑर्डर प्रोसीजर बढ़ा देंगे या उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में से फर्दर सैंपलिंग करेंगे. आप अब उसकी कंट्रोल को अवेल्युएट करेंगे, मिसस्टेटमेंट्स को आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने डिटरमिन कर लिया था कि ये पॉपुलेशन डिफरेंटली ट्रीट होगी, ये मैंने जो आइटम आइडेंटिफाई किया है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. फिर अब आपने रिप्रेजेंटेटिव मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली कि वो जो मिसस्टेटमेंट थी वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. फिर आपने देखना है कि आपको फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है, डिपेंडिंग ऑन आप किस आइटम को टेस्ट कर रहे हैं. अगेन फिर आप उसको एवेल्युएट करेंगे और रिजल्ट्स ऑफ सैंपल चेक करेंगे, रीजनेबल बेसिस होंगी जिससे आप कंक्लूजन निकाल सकेंगे. फिर आप निकालेंगे मिसस्टेटमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू एन एनोमली. फिर आप क्या करेंगे, आप उस एनोमली को 100% टेस्ट करेंगे, उसके इफेक्ट लेंगे एनोमली के, आप इसको भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और आप इसको कंक्लूड करेंगे. अगर आप एनोमली को कंक्लूड कर सकते हैं किसी और प्रोसीजर के ठीक अल्टरनेटिव सबटेंडेड प्रोसीजर से तो आप उसे कंक्लूड कर सकते हैं. अगर वो कंक्लूड नहीं हो पाता तो दिस विल गो एज एन एक्चुअल मिसस्टेटमेंट जिसको आप ऑब्वियसली प्रोजेक्ट नहीं करेंगे इन योर ऑर्डर डिफरेंस स्केड्यूल. अगर आपके ऑडिट सैंपलिंग ने आपको एक रीजनेबल बेसिस नहीं दी कि आप उस पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे कंक्लूड कर सकें, तो आप मैनेजमेंट को कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेट करें इस मिसस्टेटमेंट्स को और फर्दर मिसस्टेटमेंट्स को असेस करेंगे कि उसमें कितना पोटेंशियल है कि बाकी पॉपुलेशन में कितनी मिसस्टेटमेंट मजीद एग्जिस्ट कर सकती है, या फिर आप अपने ऑर्डर प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को मॉडिफाई करेंगे और उसको अपने टेलर मेड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल जो अचीव करना चाहते हैं. बिफोर वी मूव ऑन, हम अभी सैम्पलिंग पे क्वेश्चन ले सकते हैं या फिर हम अपने जो बाकी टॉपिक्स हैं 3 टॉपिक्स उसको खत्म करके टूवर्ड्स द एंड सबके इकट्ठे क्वेश्चन ले सकते हैं. ये मतलब मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो बता दें कि किस तरह से जाएंगे क्योंकि आई एम ऑलरेडी अज्यूमिंग कि पाकिस्तान में इस वक्त. डज एनीवन हैज अ क्वेश्चन फॉर सैम्पलिंग फ्रॉम लाहौर? इट वुड बी मोर कन्वीनिएंट कि हम पहले प्रेजेंटेशन खत्म करें. पहले मेरे ख्याल से हम क्वेश्चंस साथ साथ लेते रहते हैं ताकि लोग भूल ना जाएं. प्लीज सर, एक क्वेश्चन ये है कि कुछ फर्म्स में सैम्पलिंग टूल्स कोई भी यूज़ नहीं हो रहे होते, तो सैम्पलिंग जो है वो टोटली जजमेंट बेस हो रही होती है. हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. अब्दुल्ला, कैन यू हेयर अस? अब्दुल्ला, कैन यू हेयर अस? जी जी. हाँ सॉरी, क्वेश्चन आ रहा था आपके लिए. जी प्लीज. जी सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि कुछ फर्म्स में सैम्पलिंग टूल्स जो हैं वो ऐसा नहीं यूज़ हो रहे होते, सैम्पलिंग टोटली जजमेंट बेस हो रही होती है, तो ऐसे सिनेरियो में हमारे लिए क्या बेस्ट मेथड होगा सैम्पलिंग का? देखें, कंसिडरिंग ये मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ, ये पिछले सेशन में भी यही क्वेश्चन आया था. सैम्पलिंग टूल इतना एक्सपेंसिव नहीं है एंड आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि SMP इज कंसिडरिंग द रिस्क इन्वॉल्व, और मुझे पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि आपके पास सैम्पलिंग टूल होना चाहिए. आप रैंडम को तो आप एक्सेल से भी लगा सकते हैं क्योंकि आपने शो केस ये करना है कि आपका पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व नहीं था. क्योंकि अगर आपका पर्सनल बायसनेस, आप रेगुलेटर के परस्पेक्टिव से देखें, वो आपको ये समझेगा यार आपने तो अपनी मर्जी के आइटम सेलेक्ट कर लिया, आपने रिटेल आउटलेट्स वो पकड़े जो आपके लाहौर, फैसलाबाद या जो भी आपके मेन सिटीज हैं उनके करीब थे, लेकिन जो दूर दराज में थे आपने वो सिलेक्ट ही नहीं किया. अब आप इस आर्गुमेंट को कैसे जस्टिफाई करें कि आपने वो सिलेक्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया सिलेक्ट? ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये मुश्किल हो जाएगा अगर आप रेगुलेटर के एंगल से देखें तो ये मुश्किल होगा.
अगेन इट्स वेरी हाईली रिकमेंडेड कि आपके पास अपना सैम्पलिंग टूल होना चाहिए. एनी अदर क्वेश्चन? ये होता माइक देना. जी आई हैव अ क्वेश्चन. अगर हम सैंपलिंग के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर रहे थे टॉलरेबल एरर के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिलायबिलिटी फैक्टर के साथ. तो इस अगर फैक्टर के साथ फीमेल रिलायबिलिटी फैक्टर के साथ. अच्छा, तो अगर हम एक ही टॉलरेबल एरर लेते हैं लाइक फॉर एग्जांपल हम 5% टॉलरेबल एरर ले लेते हैं फॉर ईच पॉपुलेशन तो हमारा जो सैंपल साइज निकलता है वो एक ही निकलता है. मींस अगर 80 निकल रहा है तो हर लेजर में 80 ही निकल रहा होगा और सम टाइम 80 ट्रांजैक्शंस नहीं होती उस पर्टिकुलर लेजर के अंदर. तो उस सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे? देखिए इसमें जो दो एस्पेक्ट्स आपका मुझे नहीं पता आपका टूल क्या है. जो जो स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग का जो टूल है उसमें अगर आप उसके ARTs ऑडिट रिस्क टेबल्स पे जाएंगे उसके बैकएंड पे उसकी फंक्शनलिटीज पे जाएंगे तो वो होता ही है कि लेट्स से आपने अपना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड रखा. मतलब प्लानिंग मटेरियलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ. लेट्स से आपने निकाला 5 मिलियन. अब जब आपकी पॉपुलेशन अंडर टेस्टेड है वो लेट्स से एग्जिस्ट वो करती है आपकी 100 मिलियन की है फॉर इंस्टेंस. ठीक है जी. अब आपने सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो आपसे पहले पूछेगा दो टेक्निक्स हैं कि या मैं इंटायरिटी में चला जाऊं रैंडम पे या मैं अपनी तरफ से कुछ की आइटम्स को सिलेक्ट कर लूं और फिर रिप्रेजेंटेटिव पे मैं रिमेनिंग पॉपुलेशन पे रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग कर लूं. रिकमेंडेड यही है कि आप पहले की आइटम टेस्ट कर लें क्योंकि अगर क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल मटेरियलिटी भी दो लेवल पे है. एक लेवल वन है जो कि आपके लाइन आइटम पे है और एक लेवल टू है जो कि आप एक्चुअल टेस्टिंग पे करते हैं. अगर आप स्टैंडर्ड में खोलेंगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आपकी दो लेवल की है. तो जब आप 5 मिलियन का यूज करेंगे परफॉर्मेंस लेवल मटेरियलिटी 1 तो उसकी सर्टन बेसिस होगी डिपेंडिंग कि वो एसेट है या लायबिलिटी या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल 2 यूज करेंगे. और लेट्स से आपने वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल 2 निकाला वो निकला 2 मिलियन तो इसका मतलब ये होगा कि उस 100 मिलियन से जो जो सॉफ्टवेयर है वो इस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा कि आपने कितना आइटम टेस्ट किया और आपकी पॉपुलेशन कैसे डिवाइडेड है. आपको स्टेटिस्टिकल के जो रूल्स हैं और जो उसके जो सैंपलिंग है उस पर कर सकता हूँ. तो ऑल टाइम अगर हम रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो फॉर एग्जांपल 1.3 रखते हैं या 1.5 रखते हैं डिपेंडिंग ऑन ओवर रिस्क तो उसका आंसर सेम ही निकलेगा. देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ ना ये बहुत ज्यादा डिपेंड. अब मैं अगर मेरी बात पूरी सुन लेते वो ये था कि अगर आपकी पॉपुलेशन कम आइटम 5 मिलियन इज अ बिग अमाउंट. इसका मतलब ये है कि 20 आइटम्स अगर मैं 5 मिलियन पे चलूं तो 20 आइटम्स आपका 100 मिलियन बन जाएगा. तो उस सूरत में हो सकता है वो आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दे ही ना. ये भी होता है कि आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दे ही ना क्योंकि आपका जो उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को जब गेज करेंगे आप उसके आपके क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड से जो आपके की आइटम है उसको गेज करेंगे वो आपको सैंपल नहीं निकाल सकता. मैं विदाउट मेथड देखे आप इस पे कमेंट नहीं कर सकता. अगर आपके पास लैपटॉप है आप उसको प्रेजेंट कर दें तो फिर मैं उस पर डेफिनेटली कमेंट कर पाऊंगा. अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेजर में 30 वाउचर्स है ही नहीं तो वो तो तभी मैं आपको यही बात कर रहा हूँ ना कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा कि आपकी पॉपुलेशन डिवाइडेड कैसे है. सॉरी आपका जो डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो आपका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का थ्रेशहोल्ड है उस पे से आपने टेस्टिंग से अचीव कितना कर लिया.
हाँ वो रिप्रेजेंटेटिव पे आपको डेफिनेटली उसने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही बतानी है, वो 3 बता देगा, 5 बता देगा, 10 बता देगा, 20 बता देगा, लेकिन ये बहुत अनलाइकली है कि वो आपको वो बताए, क्योंकि आप उसको कुछ इनपुट दे ही नहीं रहे हैं कि वो रियली डिटरमिन कर सके कि आपकी पॉपुलेशन कैसे उसमें से वो हुई है, स्प्रेड आउट हुई है बिटवीन योर एंटायर पॉपुलेशन, आप उसको कैसे बताएंगे। इसमें तो हमेशा होगा, आप हमेशा हर आप 100% पॉपुलेशन को टेस्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन ये है कि हर लेजर को हम इस फॉर्मूले के तहत जो डिवाइड करते हैं कि पॉपुलेशन को, तो रिजल्ट सेम होता है, ये रिजल्ट सेम क्यों होता है? सर मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि वो आपको आपकी पॉपुलेशन को कॉग्निजेंट ही नहीं कर रहा, वो उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा कि आपकी पॉपुलेशन कैसे जो पॉपुलेशन को आपको दे रहे हैं। एक फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे हैं कि इस फॉर्मूले में एक चीज मिसिंग है कि उस लेजर के अंदर टोटल पॉपुलेशन है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको टोटल पॉपुलेशन बताएंगे, आप उसे बताएंगे कि आप कितना लेवल ऑफ आपके रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट कितना है, आप कितना कॉन्फिडेंस लेवल अचीव करना चाह रहे हैं, फिर ही वो बताएगा ना आपको। आप उसे कट ऑफ बताओगे कि आपकी कट ऑफ की ट्रांजेक्शन कितनी है, आप थ्रेशहोल्ड बताएंगे, आप क्वांटिटेटिव बेस पे आप उसे बता देंगे, वो आपको वही निकाल के देगा जो उसका वो सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। आप जब उसे एक चीज इनपुट ही नहीं कर रहे हैं तो वो आपको कैसे बताएगा? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए आपने जो ऑडिट प्रोग्राम में है ना और फ्रेमवर्क में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो बेसिकली यही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें अगर फ्रेमवर्क में है तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता, वो फिर आप आईकैप से पूछें या जिन्होंने वो फ्रेमवर्क बनाया है। मैं तो आपको वो बता सकता हूँ जो स्टेटिस्टिकल बेसिस पे अभी चल रही है चीज, क्योंकि वेरी कॉमन है। अगर आप उसको फॉर्मूला बताएंगे वो आपको वही देगा, अगर आप उसको इनपुट नहीं देंगे वो कोई जजमेंट तो करेगा नहीं। ये नहीं है, मसला ये है कि दो आपको एग्जांपल दे देती है, रिजल्ट सेम होगा, आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। सर मैं आपकी बात पे रिलाय कर रहा हूँ, मैं आपको बात पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप एक एक सिस्टम को इनपुट ही नहीं दे रहे हैं या उसमें वो कैपेसिटी नहीं है वो इनपुट लेने की, इनपुट तो दे रहे हैं, रिजल्ट सेम क्यों आ रहा है? देखिए ये आप ऐसा कर लें, हम ट्रेनिंग कंक्लूड करते हैं, आप कोई लैपटॉप ले हैं तो ट्रेनिंग के एंड पे आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा तो हम उसको कमेंट करके इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है सर। आईकैप मुल्तान, अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज रेज करें, एंड अगर किसी लाहौर से आपका क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। ओके, एनीवन एल्स फ्रॉम लाहौर हु वांट्स टू रेज अ क्वेश्चन? Meghas Abdullah, we should move on towards the next section. Actually, third party confirmations, ये recent scandals की वजह से एक बहुत ही highlighted और hot topic है। इसका जो crux है वो ये है कि auditor के पास proper control होना चाहिए पूरे के पूरे आपके confirmation system का। Auditor should be the in charge कि जो आपके confirmations भेज रहा है, confirmations का sample select कर रहा है, confirmations को receive कर रहा है। कन्फर्मेशंस किस तरह की हो सकती हैं? बैंक कन्फर्मेशन है, आपके डिपॉजिट्स एंड लाइबिलिटीज की क्वेश्चन है आपकी कन्फर्मेशन, इन्वेस्टमेंट्स की है थर्ड पार्टी पे, इन्वेंटरी अगर है आपकी, रिसीवेबल्स की कन्फर्मेशन है, पेबल कंटिजेंट लाइबिलिटीज गारंटीज की कन्फर्मेशन है, आपकी कैसी ट्रांजेक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आपकी लोन्स की, आपकी लीजेस की मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशन की वैलिडेशन की कन्फर्मेशन है, और आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की कन्फर्मेशन। अच्छा जी, जब आप कन्फर्मेशन पर रिलाय कर रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ये देखना है कि वो कन्फर्मेशन आपको इतना क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेशन है कि वो आपको इतना एविडेंस दे सके कि आपका जो अब्दुल्ला एक्सक्यूज मी, आप प्रेजेंटेशन चला रहे हैं इसके साथ? जी मेरे तरफ से तो शेयर हो रही है, लेकिन हमारे पास वो पुरानी ऑडिट सैंपलिंग की शेयर हो रही है। आप स्क्रीन स्टॉप शेयर करके दबास पे शेयर करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ जी, अब ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कितना है आपकी कन्फर्मेशन पे, आपकी मटेरियलिटी के थ्रेशोल्ड क्या है, आप सबसे इंपॉर्टेंटली के जो कन्फर्मिंग पार्टी है उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे आप कितनी रिलायंस कर सकते हैं।
और थर्ड है कि आपके उस जो पार्टी कंफर्म कर रही है उसका कितना नॉलेज है. लेट्स से ये माइक्रो फाइनेंसिंग में बहुत ज्यादा होता है कि वहां पे हम देखते हैं कि इतने मतलब इतना वो वेल एजुकेटेड या उतने नहीं है, वो बेसिकली आपको कंफर्मेशन को उन लोगों को बुलाते हैं अपने ऑफिस में और उनसे ठप्पा लगवा के आपको वापस भेज देते हैं. इस सूरत हाल में उस जो कंफर्मिंग पार्टी है उसका नॉलेज और उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे आप रिलायंस प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे आपको इतना फायदा नहीं होगा कि आप उसके कंफर्मेशन को रिलाय करते हुए अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कम कर सकें. अच्छा जी, फिर फ्रॉड रिस्क एग्जिस्ट कर सकता है अगर कंफर्मिंग पार्टी है या वो रिलेटेड है इस आपकी कंपनी की या वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है. और सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज कि वो कस्टोडियन भी है और वो मैनेजर भी है. कस्टोडियन और मैनेजर का रिलेशनशिप कहाँ पे आता है नॉर्मली, जहां पे आपने किसी को फिड्यूशरी कैपेसिटी में दी होती हैं चीजें या फंड्स के रोल हैं, फंड्स मैनेजर हैं, वो मैनेज भी कर रहे हैं और कस्टोडियन भी है. जहां पे आपको ऐसी सूरत नजर आएगी वहां पे अगर आप कंफर्मेशन ले भी लेंगे तो वो कंफर्मेशन आपके किसी ऑडिट एविडेंस के काम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होगी. आप जिस बंदा जो वो मैनेज कर रहे हैं आप उसी से ही बिना कस्टोडियन कन्फर्मेशन भी ले रहे हैं. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमें नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, फंड्स मैनेजमेंट में नजर आती है. अच्छा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम नॉर्मल डे टू डे देखते हैं कि मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है टू अलाउ अस टू सेंड अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ चीज होती है तो आप उनसे पूछेंगे भाई वजह क्या है. लेट्स से कई दफा ऐसा होता है कि मैनेजमेंट का कंपनी का और उस डेटर का कोई डिस्प्यूट चल रहा है या क्रेडिटर का डिस्प्यूट चल रहा है, तो अगर आप उसे कन्फर्मेशन भेजेंगे और बीन एन ऑर्डर, क्योंकि वो अपनी बैलेंस शीट में लेट्स से उसको प्रोवाइड ना कर रहा हो या उसने 50% प्रोवाइड कर दिया हो, तो कोर्ट ऑफ लॉ में अगर उसकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए उस कन्फर्मेशन से, सो यस दैट्स अ वैलिड रीजन कि आप उसको कर सकते हैं. इवन अगर आप IS-37 में जाएं तो IS-37 आपको एक लेट आउट रूल अलाउ करता है कि अगर किसी कंटिजेंसी के डिस्क्लोजर से मैनेजमेंट कंपनी की पोटेंशियल पोजीशन खराब हो सकती है तो वो आपको अलाउ करता है कि आप उस कंटिजेंसी का उस तरह से डिस्क्लोजर ना दें जो IS-37 रिक्वायर्ड करता है. इसे कहते हैं लेट आउट रूल. फिर वो कहता है जी एवेल्युएट द इंप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल्स ऑन आवर असेसमेंट ऑफ द रेलेवेंट रिस्क. इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट रिक्वेस्ट एंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम सेंडिंग अ कंफर्मेशन, तो हम इसकी इंप्लीकेशन असेस कर देंगे अपने ऑडिट में जो कि ज्यादातर स्कोप लिमिटेशन में होगी और हम अपनी रिपोर्ट को उस तरह से अमेंड कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस. अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने डिजाइन करना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस. Auditor should be in complete control of the selection, preparation and sending and receipt of the confirmation request. Iska matlab ye hai ki management agar aap use email bhi bhej rahe hain, management should not be copied in the email jo aap auditor as auditor bhej rahe hain confirmation ke liye, na hi jab wo confirming party aapko wapas kare aap uski copy mein bhi aapka jo client hai usko nahi hona chahiye. Aapke paas ye evidence hona chahiye aapki file mein ki ye showcase ho sake कि आपने ही कंफर्मेशन भेजी थी और आपको ही कंफर्मेशन डायरेक्टली रिसीव हुई है. इसके लिए हम एक पोस्ट ऑफिस या एक पोस्टल पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट बनता है, आप एक बंदे को कर सकते हैं डेलीगेट, आप खुद भी इसको एक अपना स्केड्यूल ऑफ मेंटेन करके रजिस्टर का रिसीट और डिस्पैचेस को आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. सबसे आसान तरीका यही है. अच्छा जी, आपने कंट्रोल रखना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो रिसेंट वायर कार्ड के और डिफरेंट तरह के जो स्कैंडल्स हुए हैं नॉर्मल जो कैश एंड बैंक से रेलेवेंट हैं, या अगर लोन दिया गया है वो लोन गलत कंफर्म कर देते हैं, या ऐसे भी होता है कि लोन बैंक ने इशू किया होता है ना आपकी बुक्स में आ रहा होता है ना बैंक अपने उसको कन्फर्म कर रहा होता है अपनी कन्फर्मेशन में, तो इस वजह से आपके पास बीन एन ऑडिटर कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए डिजाइन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का कि आप क्या क्या कंफर्म करवाना चाहते हैं. आपको ये एब्सोल्यूट श्योरिटी होनी चाहिए कि जो आप बंदे को जिससे कंफर्मेशन ले रहे हैं क्या वो बंदा राइट अथॉरिटी भी है कंफर्म करने की. लेट्स से कई दफा हमारे पास बैंक कंफर्मेशन आ जाती है और हम उसमें देख लेते हैं अकाउंट्स ऑपरेशन जो ऑपरेशन मैनेजर है वो साइन करके भेज रहा, हमने ये देखा ही नहीं कि वो क्या बैंक ने उसे ऑथोराइज भी किया हुआ है कि अकाउंट ऑपरेशन मैनेजर नहीं बैंक मैनेजर साइन करेगा जब वो ये बैलेंस लिख के देगा किसी भी कंफर्मिंग पार्टी को कि बैंक के पास आपका इतना बैलेंस एग्जिस्ट करता. अगेन जो बंदा कंफर्म कर रहा है उसकी
उसकी लेजिटिमेसी, उसके पास क्या वो राइटफुल अथॉरिटी है कि वो आपको कंफर्म करके दे सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप बैंक जो भी कंफर्मेशन भेजेंगे आप उसमें रिटर्न इंफॉर्मेशन जरूर शामिल करेंगे। कई दफा हम सेल्फ एड्रेस एनवेलप डाल देते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन है वो डायरेक्टली हमें रिसीव हो। आप बहुत क्लियरली बताएंगे कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या इंफॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, ये तो अब सैंपलिंग से होगा, सैंपलिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मली पॉजिटिव कंफर्मेशन इज रिकमेंडेड। पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्या होता है, हम एक कंफर्मिंग पार्टी से पूछते हैं कि क्या वो एग्री करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से, नॉर्मली हम बैलेंस लिख देते हैं या फिर हम उसे बैलेंस के बगैर भी ब्लैंक फॉर्म्स भेज देते हैं ताकि वो खुद से इंफॉर्मेशन पुट इन करे और हमें उसको रिस्पॉन्ड बैक करे। अब जब हम ब्लैंक फॉर्म्स भेजते हैं तो उसमें ऑब्वियसली एक हाई क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस मिलता है क्योंकि आप उसको लीड नहीं कर रहे कि आपको ये बैलेंस कन्फर्म करे, आप उससे उसका एक आंसर मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होता है कि जब आप ब्लैंक फॉर्म्स भेजते हैं तो वहां पे एक रिस्क एग्जिस्ट करता है कि बहुत लो रिस्पॉन्स रेट होता है क्योंकि एडिशनल एफर्ट इन्वॉल्व होती है और उसकी वजह से हो सकता है हमें कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करना पड़े। तो ये हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि जहां से हम उसको अमाउंट के साथ कंफर्मेशन भेज रहे हैं और एक हम एक विदाउट कंफर्मेशन भेज रहे हैं। कैश एंड बैंक नॉर्मली हम ब्लैंक भेजते हैं ताकि वो जितने भी अकाउंट बैलेंस हैं, जितने भी गारंटीज हैं, जितनी कमिटमेंट्स हैं, जितने भी उसके ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं, एलसीज हैं, वो उसको उसमें से हमें बता दें, हम उसको डायरेक्ट नहीं करते। हाँ, बैलेंस इन रिसीवेबल्स के लिए हम नॉर्मली एक अमाउंट लिख के भेज देते हैं लेकिन अभी भी वो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम उसको विदाउट अमाउंट कंफर्म कर पाए। नेगेटिव कंफर्मेशन ये होती है कि हम उनको कहते हैं कि ये कंफर्मेशन, ये अमाउंट एग्जिस्ट करता है या ये इन्फॉर्मेशन परटेन करती है आपसे, आप सिर्फ तभी रिस्पॉन्ड करें अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से एग्री नहीं करते। अब ये जो नेगेटिव कंफर्मेशन है ये वहीं पे ज्यादा रेलिवेंट है जहां पे आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत कम है, यानी कि आप कंट्रोल रिस्क भी आपका कम है और इनहेरेंट रिस्क भी आपका हाई नहीं है और आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल नंबर्स पे एग्जिस्ट करती है, सॉरी स्मॉल इंडिविजुअल वैल्यू है बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन्स हैं, बैलेंसेस बहुत ज्यादा होमोजीनियस ट्रांजेक्शन्स हैं, डिपॉजिट्स हो गए आपके। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट, ये तीनों चारों फैक्टर आपने कंक्लूड करने हैं अपने वर्किंग पेपर में तभी आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी है आपने कि आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप जब नेगेटिव कंफर्मेशन भेजेंगे तो आप के पास कोई रीजन नहीं है कि वो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर आपको पहले ही से पता है कि यार वो नेगेटिव कंफर्मेशन पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा तो आपको कंफर्मेशन भेजने की नेगेटिव कंफर्मेशन पे आप रिलाय नहीं कर सकेंगे। और इसी तरीके से आप एक बहुत ही लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि अगर आप इन चारों फैक्टर्स को देखें तो इवेंचुअली आप ये कंक्लूड करेंगे कि नेगेटिव कंफर्मेशन वहां पे जाएगी जो आपके बैलेंसेस आपके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से आजाद हैं, आपका जो कंफर्मिंग पार्टी है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो आपकी कंफर्मेशन को रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी, और आपका जो पॉपुलेशन का साइज है वो इंडिविजुअल आइटम स्मॉल है बट वो बहुत ही क्वांटिटी में एक वॉल्यूमिनस जीएल है या बैलेंसेस है उसके। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन जो कि आजकल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा रिस्क एग्जिस्ट करता है कि आपके जो डोमेन आ रही है जिससे कंफर्मेशन आ रही है वो डोमेन क्या राइट डोमेन थी कंफर्म करने के लिए या नहीं कंफर्म थी, क्या उसकी जो जिसने आपको कंफर्म किया है क्या वो ऑथेंटिक और अप्रोप्रिएट सोर्स था भी या नहीं था। फिर द रिस्पोंडेंट मे नॉट बी ऑथराइज, वो बंदा तो ठीक था लेकिन उसे बैंक ने कंफर्मिंग पार्टी ने ऑथराइज ही नहीं किया होगा कि तुम कंपनी के बिहाफ पे या बैंक के बिहाफ पे एक सर्टन अमाउंट कंफर्म कर दो। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अब वो बंदा ब्लड से ठीक है लेकिन वो असिस्टेंट है तो असिस्टेंट को क्या कंपनी ने अथॉरिटी दी है कि वो कंपनी के बिहाफ पे बैलेंसेस की एक्नॉलेजमेंट कर ले। फिर ट्रांसमिशन के दौरान भी आपकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है कि आपने उसने आपको ईमेल आईडी ऐसा दे दिया जो उस बंदे ने कंट्रोल किया हुआ था। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन में कुछ इनहेरेंट रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन में जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम क्लाइंट को कॉपी में नहीं रखते जब हम कंफर्मेशन भेजते हैं और ना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमें रिप्लाई आएगा तो क्लाइंट भी उसमें कॉपी में होगा।
जी ये कन्फर्मेशंस का तो बस इतना ज़्यादा नहीं था, कन्फर्मेशन से रेलिवेंट किसी की कोई डिस्कशन है तो प्लीज़ करें, क्योंकि कन्फर्मेशंस का एक नॉर्मली रेगुलेटर फ्रॉम विद रिस्पेक्ट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इसको देख रहे होते हैं, कन्फर्मेशन पे है तो आई वुड लाइक टू वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन जी प्लीज मुझे पूछना है मैम ठीक है आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में बोला कि इसमें इनहेरेंट रिस्क होते हैं कुछ, और इन जनरल आप काफ़ी सारी जगह पे ये बोल रहे थे कि वो जो बंदा कन्फर्म कर रहा है कन्फर्मिंग पार्टी वो बंदा उस चीज़ के लिए लाइक अथॉरिटेटिव भी हो, उसको अलाउ किया हो कंपनी ने, तो इस चीज़ को हम कैसे मेक श्योर करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उस बंदे को कंपनी ने अलाउ किया हुआ था कि वो ये चीज़ कंफर्म कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, एंड सेकंड ये इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन चूँकि उसमें इनहेरिट लिमिटेशंस हैं या उसमें डोमेन नेम आप कह रहे थे कि उसका हमें पता होना चाहिए कि सही डोमेन से हमें वो हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सही वाली डोमेन है या कन्फर्मिंग पार्टी जो है वो भी सही अथॉरिटेटिव है। सेकेंड क्वेश्चन का मैं पहले आंसर कर देता हूँ। यहाँ पे होता है कॉल बैक प्रोसीजर, आप कॉल करते हैं, आपको उस बंदे की अथॉरिटी पे शक नहीं है बट आपको ये शक है क्या ये ईमेल वाकई इसी ने भेजी है नहीं भेजी, ये हमें रिस्क है डोमेन का मसला है, आप उसे कॉल करेंगे, आप कॉल के मिनट्स को अपने सिस्टम में डॉक्यूमेंट करेंगे कि भाई आपने इस वक्त इस बंदे को कॉल की, इस बंदे ने फोन उठाया, आप उसे पूछिए हाँ भाई इस वक्त आपने ये कन्फर्मेशन भेजी है क्या ये आप ही की तरफ से आई है, ठीक है, तो यहाँ से आप ये इसे हम कहते हैं कॉल बैक प्रोसीजर, ये आप कर सकते हैं। जो आपका पहला प्रोसीजर है जो क्वेश्चन था जिसमें आप कह रहे हैं कि हमें अथॉरिटी का नहीं पता, तो ये नॉर्मली आपको क्लाइंट से भी मतलब जो कंफर्मिंग पार्टी है आप उसको अगेन कॉल बैक तो एग्जिस्ट करता ही है करता है, लेकिन अगर बैंक की बात करूं तो बैंक ने अपने जो अगर आप बैंक में जाएंगे कॉन्टेक्स्ट में तो बैंक ने अपने हर बैंक का ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का नाम दिया होता है, नॉर्मली ये ब्रांच मैनेजर जो होता है वो ऑथोराइज होता है कि जो बैंक के बिहाफ पे कोई भी कन्फर्म कर सकता है किसी को, ऑपरेशन मैनेजर के पास बहुत कम होगा अगर उसने लिखा हुआ है वहां पे कि कौन सा बंदा है तो वो तो हो सकता है लेकिन बहुत रेयर केसेस में होता है, तो बैंक से तो आप बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। जहां पे आप कंपनीज की बात करें अगर आपका रिसीवेबल है तो वहां पे उनकी तरफ से वो क्रेडिट कंट्रोल बायर सेक्शन या सीएफओ या हेड ऑफ फाइनेंस होगा, इसमें आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कॉल बैक प्रोसीजर। हाँ ऑब्वियसली अगर आप असिस्टेंट मैनेजर कर रहे हैं तो वो मैं भी डाउट करूंगा भाई असिस्टेंट मैनेजर क्यों कंफर्म कर रहे हैं, हाँ हेड ऑफ फाइनेंस कर रहा है आपको उस पे है भी हाँ ठीक है ऑब्वियसली वो हेड लेवल का बंदा है तो आप उसकी ऑब्वियसली मोर अलायंस, अकाउंटिंग क्लर्क्स हैं आपके असिस्टेंट्स हैं इवन मैनेजर्स हैं हम उस पे रिलाय नहीं करते सच। जी अब्दुल्ला भाई मेरा सवाल ये है कि इज देयर एनी इशू अगर किसी क्लाइंट के ऊपर हमने थर्ड पार्टीज को कंफर्मेशन सेंड की और कोई भी रिसीव नहीं हुई और उसकी हमने सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन कर ली पूरी जितनी भी सेंड की थी, अब इसमें मैं अपना जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ अपने एक इंस्टेंस भी शेयर करूंगा, मेरा एक क्लाइंट था तो उसमें किसी कोई 20-25 बैंक उसमें थर्ड पार्टी कंफर्मेशन हमने सर्कुलेट करवाई, एक भी रिसीव नहीं हुई, उसकी हमने सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन पूरे जितने भी सबकी लगा दी, तो उसने आईब्रोज रेज किया कि ये कैसे हो सकता है कि एक भी कंफर्मेशन आपको रिसीव नहीं हुई, इसके ऊपर आप मुझे अपनी इनपुट देते। बिल्कुल ठीक है, अच्छा जी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है दो तीन चीज़ें, कन्फर्मेशन आए या ना आए आपने भेजनी जरूर है, ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ऑर्डरिंग स्टैंडर्ड्स, और आपने उसका एक या दो रिमाइंडर भेज देना, अगर आपने ये कर लिया तो आपने हाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग कन्फर्मेशन, लेकिन अभी आपको नंबर पे रिलायंस नहीं मिली है, अब ये सोचो अगर रिसीवेबल आपको एक नंबर कन्फर्म कर रहा है, लेट्स से आपका 1 मिलियन का रिसीवेबल था उसने 1 मिलियन ही कन्फर्म कर दिया, ये आपकी उसकी एग्जिस्टेंस पे कन्फर्मेशन तो दे देगा लेकिन आपको रिसीवेबल्स की वैल्यूएशन पे कन्फर्मेशन नहीं देगा, इंपेयरमेंट पे इस पर कोई बात नहीं होगी, इंपेयरमेंट का टेस्ट आपको अलग से करना पड़ेगा। अब जो भी आपने उसके ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाए वो अगर आपने किस पे लगाए थे तो मुझे आप तो आपको बेहतर आंसर दे दूंगा, वो एग्जिस्टेंस पे थे या वो वैल्यूएशन पे थे या सब्सिक्वेंट किस किस चीज पे थे, वो सब्सिक्वेंट उनको बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर लिया जितनी पेमेंट्स थी उनको, फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस 2 लाख का आ रहा है तो उनको हमने सब्सिक्वेंट टेस्ट ये ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स में डॉक्यूमेंटेड है अंडर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और ये परफेक्टली मतलब रिलायबल है,
हाँ लेकिन ऑब्वियसली अगर मुझे एक कंफर्मेशन भी नहीं आई और मैंने 20 भेजी है तो फिर ऑब्वियसली नहीं सर, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है ना, कोई अगर आपका क्लाइंट कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप इमेजिन कर सकते हैं, तो उनके जो क्लाइंट्स हैं या उनके कस्टमर्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, तो इनके पास इतना वो नॉलेज भी नहीं होता ना उनकी इतनी अपनी बुक कीपिंग का रिकॉर्ड इतना अच्छा होता है कि वो रिप्लाई कर सकें उसका। देखिए जो बंदा बिजनेस कर रहा है ना उसको पता है कि उसने किसके कितने पैसे देने हैं, उसको पता है कि उसका इन्वेंटरी में क्या पड़ा हुआ है, उसको पता है उसके कैश में क्या है। ये एक बड़ी सीधी सी बात है। मेरे चाचू ने कहा था कि बिजनेस करने में दो चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए आपका, कैश पे और इन्वेंटरी पे। ठीक है, तो ये पॉसिबल काफी कम मतलब हो सकती है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बट फ्रेंकली मैं हूंगा तो मैं उस पर इतना रिलाई नहीं करूंगा। सेकेंडली चीज, अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है और मेरा कस्टमर है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो जाके पैसे भी निकलवा सकता है उससे अगला एक दो दिन बाद, तो वो कंफर्म तो करवा भी लेगा। तो यहाँ पे अगर हमें भी चैलेंज आता था कि लेट्स से हमारा एक बहुत बड़ा रिटेल था, एक FMCG थी, उसके तकरीबन मेरे ख्याल में 500-600 के करीब उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो आप इमेजिन करें उससे कन्फर्मेशन लेना कितना मुश्किल काम था। लेकिन हम लेते थे, हम सब्सिक्वेंट ट्रेसिंग भी करते थे क्योंकि रिसीवेबल है, रेवेन्यू से निकल है और रेवेन्यू पे मेरा फ्रॉड रिस्क है, तो मैं ये उस पे जा ही नहीं सकता, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं उसकी कंफर्मेशन ना लूं। अगर उसने आईब्रोज रेज की थी तो अगर मैं भी होता तो मैं भी करता फ्रेंकली। तो मतलब हो सकता है आपको 2-3 ना आए, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रही है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। अगेन पॉसिबिलिटीज तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये होगा मतलब उसकी बात पे वो नहीं है। मतलब अगर आप भी उसके होते उसकी जगह पे तो आप भी डेफिनेटली एक दफा जरूर सोचते हैं कि यार एक कंफर्मेशन भी नहीं आई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कंफर्मेशन इन केस आ जाती है तो कंफर्मेशन हमें बताती है एग्जिस्टेंस ऑफ द बैलेंसेस जी, लेकिन बाकी जो assertions हैं इसकी completeness भी है, हाँ, मैं अभी अर्ज कर रहा था, वो आपको obligations हैं जी, और valuation सबसे important है, तो confirmation अगर हो जाती है तो is it sufficient कि बाकी assertions भी बिल्कुल नहीं। rights को शायद वो कर दे, obligations को भी ठीक है वो कर सकती है, लेकिन rights और obligations के ज्यादातर हम government के record पे rely कर रहे होते हैं जी। valuation तो बिल्कुल भी नहीं, absolutely not, क्योंकि वैल्यूएशन तो वो उसका टेस्ट ही नहीं है, वो तो आप एजिंग देखेंगे आप, हाँ वो कंफर्म भी कर दे, आपको पता है वो डिस्ट्रेस्ड पार्टी चल रही है, वो लिक्विडेशन में जा रहा है या वो सॉल्वेंसी डिक्लेयर करने वाला है, तो वो कहेगा भाई हाँ मैंने देने तो हैं आपके पैसे बट मैं दे ही नहीं सकता, यूजुअली इंपेयरमेंट आ जाएगी ना फिर जी। अगर कंफर्मेशन हो जाती तो हम बाकी असर्शन को इग्नोर कर देते हैं, प्रैक्टिस भी कुछ ऐसी नहीं, ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हो रहा तो ये गलत हो। ओके, ऑन द सेम अकाउंट बैलेंस आप कहते हैं कि आपको कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए सबसीक्वेंट क्लीयरेंस चेक करनी होगी। यस, क्योंकि अगर आप क्योंकि कंप्लीटनेस आपको मतलब सबसीक्वेंट ट्रेसिंग का ये भी है कि आप वैल्यूएशन भी इंश्योर कर रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि यार इस बंदे ने मुझे 1000 देना था, इसने वाकई मुझे 1000 दे दिया, तो मतलब वैल्यूएशन भी मिल रही है, इसलिए सबसीक्वेंट ट्रेसिंग उस एंगल से भी बहुत जरूरी है जी। सेकंडली, अगर एक कंफर्मेशन नहीं आती, नॉन रिस्पॉन्स है, हम फॉर द ईयर ट्रांजेक्शन पर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, लेकिन अगर कुछ अमाउंट ओपनिंग बैलेंस से कैरी हो रही है स्टिल रिपोर्टिंग डेट पे, उसके ऊपर हम प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो अगर मैं वर्ड डॉक में ये लिख दूं कि ओपनिंग बैलेंस इज वेरीफाइड फ्रॉम द लास्ट ईयर ऑडिटेड अकाउंट्स, इट वुड बी सफिशिएंट। बैलेंस हमेशा आपका एज एट पे है। ओके ओके, और थर्डली सर ये था कि सैंपल साइज के ऊपर क्वेश्चन मेरा था कि अकाउंट बैलेंसेस के केस में सैंपल साइज कितना होना चाहिए, कोई मतलब इसमें जजमेंटल काफी एरिया क्वाइट जजमेंटल है। यार मैंने पहले भी अर्ज की थी कि सैंपलिंग एक वाहिद मतलब ऐसी चीज है जिसमें मैं अगर हूं तो मैं कहूंगा यार मैं अपना रिस्क कैसे कवर करूंगा, मैं नहीं चाहता कि बिना प्रैक्टिशनर मुझे कोई आके चैलेंज कर सके ओके भाई तुमने ये सैंपल गलत है, क्योंकि मेरी अपनी जजमेंट है या बायसनेस है, इट्स मोर प्रोन टू बी चैलेंज बाय एनीवन। हां अगर वो बैक बाय सॉफ्टवेयर है, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सॉफ्टवेयर है जैसा रैंडम है, वो आप एक्सेल से निकाल सकते हो, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसे ऐसे रैंडम जनरेटर्स भी हैं कि वो नंबर देते हैं, आप नंबर अपनी फाइल में सेव कर लें और नंबर को जब बाद में रिव्यू आएगा वो नंबर या वो सीरियल नंबर डालेंगे तो वो ही आपको नंबर दे देगा जो आपको उसने पहले दिए होंगे,
तो वो आपको जस्ट आपकी पोजीशन को बहुत ही कॉन्फिडेंट करेगा, आपकी पोजीशन को मजबूत रखेगा आपकी पोजीशन. अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है ये बहुत मुश्किल है. हाँ, फॉर्मूलाज में आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर लें, उससे मल्टीप्लाई कर लें, डिवीजन में ले जाएं, ये कर सकते हैं आप. मतलब ऑब्वियसली ये एक्सेल के फॉर्मूले हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स आप एक्सेल में बना सकते हैं, लेकिन क्या आप वो रिस्क लेना चाहेंगे? क्वेश्चन ये. और सैंपल साइज के रिगार्डिंग आपकी फर्म की प्रैक्टिस क्या है, काइंडली आप शेयर कर सकते हैं सैंपल साइज? हमारी फर्म की प्रैक्टिस ये है कि कंट्रोल्स के लिए हम रैंडम यूज करते हैं. रैंडम इज कि हम उसे बता देते हैं कि लेट्स से कि इसमें इतने पॉपुलेशन के सीक्वेंस है, अगर एक है तो एक दे देंगे, अगर ज्यादा है तो हम उसे सीरियल नंबर दे देते हैं कि भाई ये बैच वन है, इसमें 10,090 से लेके 1,000,000 तक ट्रांजेक्शन इसमें होंगी, फिर बैच टू है जिसमें 1,000 से लेके इतनी होंगी और इसमें से मुझे इतनी इतनी ट्रांजेक्शन चाहिए, ये कंट्रोल में से वो बता देता है. क्योंकि हमारे कंट्रोल के साइज है वो डिफाइंड है, ठीक है, वो एक सर्टन अकरेंसेस की बेस पे है. अगर कंट्रोल डेली परफॉर्म हो रहा है और अगर कंट्रोल वीकली परफॉर्म हो रहा है, मंथली परफॉर्म हो रहा है, उस पर बैक बाय स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स वो कंट्रोल एस्टेब्लिश है, मतलब वो नंबर्स एस्टेब्लिश है फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल. और अगर मेरा टेस्ट ऑफ डिटेल्स है तो उसमें मैंने जैसे अर्ज की कि वो काफी चीजों को, एक टूल है जो कि काफी चीजों को अप्रिशिएट करता है. किन चीजों को करता है? वो पॉपुलेशन की वैल्यू को अप्रिशिएट करता है, वो हमारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को अप्रिशिएट करता है, जिसे परफॉर्मेंस लेवल मटेरियलिटी 1 कहते हैं हम. टॉलरेबल एरर है हमारी, अगर हम हमारी फर्म की बात करें. फिर उसे लेवल 2 की बात कर सकते हैं जो कि टेस्टिंग थ्रेशोल्ड होता है, जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है आप टेस्टिंग करते हो जाकर एक्चुअल आइटम की. फिर उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि आपका रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट कितना है, हाई है, मीडियम है, लो है, मिनिमल है, क्योंकि वो असेस कर रहा है ना टूल के, भाई इसमें उसने ARTs लगे हुए हैं, उसने 95% अचीव करना ऑब्जेक्टिव. फिर वो इसके अलावा भी कोई प्रोसीजर तो नहीं ऐसा कि, और उससे क्या एविडेंस मिल रहा है, उससे आपको कोरोबरेटिव एविडेंस मिल रहा है, आप मतलब थोड़ा सा एविडेंस मिल रहा है आपको, बहुत परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, किस तरह का एविडेंस मिल रहा है. फिर आप बताते हैं कि आपने की आइटम कितने सिलेक्ट किए, 10 किए, 5 किए, उनकी आइटम्स की क्वांटिटी कितनी थी, उस नंबर कितना था और उसकी अमाउंट कितनी थी. लेट्स से वो 500 मिलता है आउट ऑफ 1,000,000,000 की पॉपुलेशन में से, तो अब सिस्टम को पता चल जाता है कि यार 500 मिलियन है वो अनटेस्टेड है, ये रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है, ये डेविएशन का रेट है, और उस पर वो सैंपल साइज निकाल देगा. लेट्स से उसने सैंपल साइज निकाल दिया 25 का, तो मैं 25 का उठाऊंगा उस पर, फिर मैं दोबारा रैंडम पे जाऊंगा और रैंडम मुझे बता देगा, मैं उसको बताऊंगा यार ये जो 25 निकला है इसका सीरियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से अल्फा 91 से लेके बीटा अल्फा 1008 तक था, तो उसमें से मुझे वो रैंडम जनरेटर से वो 25 का या 20 का सैंपल दे दे, तो मैं की आइटम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह, और इस तरह मैं अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है उसमें भी सिलेक्ट कर लेता हूँ. नॉर्मली ये फॉलो होता है. अगेन ये फॉलो क्यों होता है कि इसमें ऑडिटर की जजमेंट काफी काम इन्वॉल्व होती है, तो जब कोई थर्ड पार्टी आती है वो उसको आपको जस्टिफाई करना बहुत आसान होता है. इसमें भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें एक हमारा एक फैक्टर होता है जो पूछता है कि आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर से क्या एविडेंस मिल रहा है. अब मैं उस पर सम लिख दूं, सबसे कम है लिटिल कोरोबरेटिव परसुएसिव. अब अगर मैं कोरोबरेटिव लिख देता हूं तो मुझे फिर जस्टिफाई करना है कि भाई मैं कैसे समझ रहा हूं कि इसके अलावा जो प्रोसीजर्स हैं वो इसी बैलेंस पे कोरोबरेटिव एविडेंस दे रहे हैं, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रॉपर. क्योंकि सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मतलब सैंपलिंग अगर आपकी गलत है तो आपने जितनी मर्जी अच्छी टेस्टिंग कर ली हो, बहुत आपने आपका वो जो ऑडिट एविडेंस है, जो ऑडिट ओपिनियन है, उसको सपोर्ट नहीं कर रही होगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन. इसलिए सैंपलिंग को ज्यादातर वो अपना इम्पार्शियल रखते हैं. थैंक यू. सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आई. ये हमारा क्वेश्चन वही है पहले वाला जो टॉलर ने बताया. हमने तो ये सेमिनार ही इसलिए अटेंड किया कि ये हमारा सलूशन होना चाहिए इस प्रॉब्लम पर. तो इसका क्या हल है? ड्यूरिंग UCR भी कर चुके हैं, तो उसमें यही था कि उनका रिप्लाई बेसिकली यही था कि हम आपको एक सेपरेट सेशन में जो है ना वो बता देंगे और बाद में वो टर्मिनेट हो जाता है. तो इस तरह से ये ऑडिट सैंपलिंग टेबल्स हैं, ASTs कहते हैं मैंने, ठीक है.
जो ये बना हुआ है कि लेट्स से आपने 60 ट्रांजेक्शन वो निकाल देगा, डिवाइड करके 60 ट्रांजेक्शन निकाल दी, उसने 80 निकाल दी, जो भी उसका आप उसे देंगे, अब उसको आप वो बता ही नहीं रहे हैं, तो वो लाइकली है बहुत ज्यादा चांसेस में आपको उससे ज्यादा सैंपल देगा, और ये भी हो सकता है कि वो आपको इतना कम सैंपल दे देगा कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी ना कर रहा हो। तो मैं इस पे कमेंट करने की पोजीशन में हूं नहीं अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं आप मुझे दिखा दें वो चीज तो फिर मैं शायद उस पर कुछ आपको बता दूं, लेकिन अगर जो आपके इनपुट्स की मैं बात करूं तो वो डेफिनेटली ये सिचुएशन आएगी, और मेरे पास इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि आप इसको डिवाइड करेंगे इस पे और रिजल्ट आ जाएगा। अब वो रिजल्ट किसी चीज को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा और किसी और फैक्टर को, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? फ्रेमवर्क में क्यों दिया हुआ है ये फॉर्म? जी सर, अगर वो एंटीकेटेटी नहीं है सर, फ्रेमवर्क में ऑडिट फ्रेमवर्क में ये चीज एडिट है, ये सेम फार्मूला ऑडिट फ्रेमवर्क से बिल्कुल एडिट है। मैं अगेन मेरी हंबल ओपिनियन में यही है कि आप मुझे उसको शोकेस कर दें तो मैं उस पर मजीद कमेंट कर पाऊंगा, लेकिन अगर जो आप चीज बता रहे हैं वो सिचुएशन होगी, उसका सिंपल मैथमेटिक्स है। असद फिरोज साहब में हमें हैं, वो काउंसिल के भाव पे आपको इस पर कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है। मैं और बाकी उनके जो थे मैनेजर वगैरह उनको भी क्वेश्चन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। तो लेकिन ये कि इफ यू कैन आप इनका क्वेश्चन नोट डाउन कर लें और हम जब वो आएंगे तो पूछ लें, क्योंकि क्वेश्चन इनका बिल्कुल ठीक है, अगर ये उसमें लिखा हुआ है और तो ऐसी सिचुएशन आती रहेगी, और इनके पास सिर्फ यही हल होगा कि लेट्स से अगर 80 का सैंपल निकल रहा है और ट्रांजैक्शन 60 है या 50 है या 30 है तो ये तो हर वक्त उसी सिचुएशन में होंगे कि 100% बैलेंस को टेस्ट कर रहे होंगे। ये एक सिचुएशन एग्जिस्ट करती है अनफॉर्चुनेटली सर, बड़ी माजर के साथ मैं आपको अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता इस पे, लेकिन इस पे मतलब मैथमेटिक्स है, मैं इस पे क्या से रिक्वेस्ट है कि अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो देन ये फ्रेमवर्क में क्यों दिया हो, इसको चेंज करो। अगेन मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, मैंने अभी वो देखा नहीं है आपने जो फरमा रहे हैं, मैं उस पे देख के बेहतर कंडीशन में होगा कमेंट कर लूं, क्या तो आप करवाते होंगे ना उसमें क्या फार्मूला दिया हुआ है? सर हम जब QCR करवाते हैं वो हम अपने टूल्स का दिखा देते हैं, वो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उस पे वो रिलाई करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये हम इस तरह से सैंपल निकालते नहीं है, बड़ी माजरत के साथ, अगेन मैं बता रहा हूँ कि हर फर्म का डिफरेंट प्रोसीजर है तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, बड़ी माजरत। तो तो सर आप बजा फरमा रहे हैं, मैं क्वेश्चन नोट डाउन करवा सकता हूँ ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करके, और जब असद फिरोज साहब या कोई और स्टीम काउंसिल मेंबर आएगा तो वो डेफिनेटली आपको इस पर रिस्पॉन्ड, हाँ मैं भी काउंसिल मेंबर्स और भी आने हैं, आप उनसे भी ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन है जो आप बता रहे हैं उसकी वजह से बिल्कुल ठीक है, मेरे सामने वो चीज़ नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। हम इस तरह करते हैं कि आप अपना क्वेश्चन आप नोट डाउन कर दें तो कोई भी काउंसिल मेंबर आता है तो हम उनसे आपका रिस्पॉन्स ले लेते हैं। मूविंग ऑन फैसलाबाद, आपके पास कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा? और भी है, ये कंफर्मेशन के हवाले से है। प्लीज बैंक को अगर कंफर्मेशन का लेटर भेजते हैं तो उसके ऊपर वो स्टैंप लगा के बैंक का नाम उसमें लिखा होता है स्टैंप पे और ब्रांच लिखा होता है, नीचे मैनेजर लिखा होता है या असिस्टेंट मैनेजर लिखा होता है, वो साइन कर देते हैं, तो उसके ऊपर तो हम अथॉरिटी नहीं दे सकते कि ये साइन करने वाला कौन बंदा है, हर चीज खत्म होनी है जाके बैंक के बैलेंस पे, वो या रिसीवेबल में खड़ी होगी या आपके ट्रांसलेट होके कैश इन या आउट होके आपके बैंक स्टेटमेंट में आई होगी, तो ये इतनी अब रिस्की चीज हो गई है बैंक कंफर्मेशन के कुछ स्कैंडल्स के बाद, बैंक के वर्किंग पेपर्स पे कैश एंड बैंक का वर्किंग पेपर जो हम बिल्कुल जूनियर मोस्ट से करवाते हैं उस पे अब तकरीबन सभी में हमें बिग फोर्स में उस पे पार्टनर साइन ऑफ करता, ये इतना क्रिटिकल हो गया, तो अगर आप इस पे कंक्लूड नहीं ले रहे अपना एविडेंस तो ये लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस होगा हमारी फाइल में, तो आप कॉल कर सकते हैं
इवन अगर एक ही बैंक है तो आप स्टाफ जा सकता है उससे जाके खुद भी पूछ सकता है कि ये तुमने कंफर्म किया था, ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ठीक है ऑब्वियसली हम फोरेंसिक्स नहीं कर रहे हैं लेकिन जो हमारे तय हो सकता है वो हम जरूर करेंगे। सर कॉल बैक कर लेना, कॉल बैक हो सकती है, सर बात आपकी ठीक है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ये हर जगह पे है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कंफर्मेशन अगर किसी को भेजते हैं आउटसाइडर को तो वो अपने लेटर हेड के ऊपर कंफर्म करके भेज देता है, लेकिन क्यूसीआर वाले कहते हैं कि जी इसका सोर्स बताएं, ये कैसे आया आपके पास में जी, ये तो जरूरी नहीं है, मतलब नहीं, नहीं, ये जरूरी है, ये एज पार्ट ऑफ जो नए क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर चल रहे हैं उसमें ये है कि डिस्पैच पे कंफर्मेशन के और कंफर्मेशन की रिसीट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए कि जिसमें आपकी फर्म में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो आके उस पे रिसेप्शनिस्ट या जो भी बंदा है या जो आपका पोस्ट ऑफिस इंचार्ज है जो भी है वो उसको स्टैम्प करे रिसीट की, उस पे नंबर लगाए आपके जो फोलियो नंबर होगा आपके रजिस्टर का और उसकी डिटेल्स अपने रजिस्टर पे लिखे, इससे ये एविडेंस होगा कि ये फाइल आपके पास डायरेक्टली आई थी, और ये भी एविडेंस होता है कि जो उसका एनवेलप होता है आप उसके इन्फॉर्मेशन के साथ स्टेपल करते हैं ताकि उस पर TCS या पोस्ट ऑफिस या जो भी आपका कुरियर प्रोवाइडर है उस वगैरह उसकी स्टैंप आ रही होगी, उसकी उसके अपने वो जो स्टोक जो क्या कह सकते हैं स्टैंप्स के जो पैसे होते हैं वो आ रहे होंगे, उनकी डिफरेंट तरीके डिस्ट्रीट डिस्पैच के जो स्टैंप्स लगी होती हैं वो काफी चीजें वेरीफाई करते हैं। बाय हैंड कहाँ से सर? सर बाय हैंड अगर आप लेने जाएंगे तो आप खुद लेने जाएंगे ना, बाय हैंड में तो फिर आपके पास एविडेंस ही नहीं है कि आपको किसने दिया, यही तो मसला है। बाय हैंड में जाएंगे तो फिर आपका बंदा जाए वो जाके उनसे एक रिसीट पे साइनिंग कराए कि भाई ये मैंने ये लेटर इस दिन को इस दिन आपसे जाकर खुद कलेक्ट किया। जी यहाँ पर लाहौर में किसी का क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, सवाल यह था मेरा कि क्या डेटा खुद जाके कंफर्म कर सकते हैं बैलेंस बैंक में या थर्ड पार्टी? देखें आपको जाने से वो रोकेगा तो कोई भी नहीं, ठीक है ऑब्वियसली अगर आपको ऑथेंटिसिटी पे उस पर शक है, लेकिन अगर आपको इतना शक है तो आप अपने क्लाइंट पे क्यों एक्सेप्ट किया सर? कंट्रोल के पर कंट्रोल के लिहाज से सर, कंफर्मेशन पे कंट्रोल। अच्छा कंट्रोल के आप जा सकते हैं डेफिनेटली, आप उसको प्रॉपर मिनिटाइज कर सकते हैं। इवन मैं बताता हूं कि हम क्या करते थे, लेट्स से विजिट्स होते थे साइट विजिट्स, तो हम उसकी प्रॉपर पिक्चर्स लेते थे कि भाई ये यूनिट था, ये इसकी इतने फ्लो मीटर की ये रीडिंग थी, ये हमने टैली की जाके सिस्टम में भी फ्लो मीटर की ये रीडिंग आ रही थी या नहीं आ रही थी, तो आप जा सकते हैं प्रोवाइडेड आपने उसको प्रॉपर मिनिटाइज किया हो, आपके पास डॉक्यूमेंटेड हो, और हाँ आपने कोई एक्नॉलेजमेंट ली हो उनके तरफ से कि भाई ये वर्किंग पेपर ये लेटर आपने रिसीव किया उनसे, क्योंकि ये तो वरना ये मैं अगर कल कलांग को कोई भी आके के जी ये लेटर दिखा दे जिसके पास आपकी कोई रिसीट की नहीं है तो स्टैम्प्स बन जाती हैं, लेटर हेड छप जाते हैं, तो ये तो कोई एविडेंस नहीं होगा। अगर सर उनका स्टाफ हमारे साथ हो? नहीं उनका स्टाफ फिर वही बात होगी। जी मुल्तान आपका कोई क्वेश्चन है? और यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? नो चले अब्दुल्ला वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करता हूँ। इन्वेंट्री काउंट, जी इन्वेंट्री काउंट नॉर्मली हमारा मटेरियल आइटम ही होता है और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं इन्वेंट्री काउंट, ठीक है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम मैनेजमेंट का जो अकाउंट है उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि जो मैनेजमेंट ने अपने प्रोटोकॉल्स अपने इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो एस्टेब्लिश किए हैं प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग का जो इन्वेंट्री है उससे रिलेटेड और उसको काउंटिंग मैकेनिज्म क्या होगा उसको हमने असेस करना है कि क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट हैं कि अगर उनको फॉलो किया जाए तो वो आपका जो काउंट होगा उसकी वो ठीक होगा, उसके आपकी जो इन्वेंट्री की करेक्ट पिक्चर डिपिक्ट होगी, फिर आप मैनेजमेंट के प्रोसीजर काउंट को ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद भी इन्वेंटरी को इंस्पेक्ट करेंगे कुछ जाके और फिर आप टेस्ट काउंट परफॉर्म करेंगे। ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि इन तीन से चार ऑब्जेक्टिव्स को हम अगली कुछ स्लाइड्स में देख रहे होंगे।
अच्छा जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज देखनी है कि वो कैसे फिजिकल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स देते हैं, कैसे वो अनयूज फिजिकल इन्वेंट्री को सेपरेट करते हैं, कैसे उसकी पाइलिंग करते हैं, कैसे वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं। फिर आपने ये असेस करना है कि क्या, जिस तरह टेक्सटाइल में होता है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस को असेस करना बहुत क्रिटिकल होता है। आपको बहुत मुश्किल से आप होगा, मतलब कि ये मटेरियल के लिहाज से कितना कंप्लीट है, ये लेबर के लिहाज से कितना कंप्लीट है, क्योंकि इसकी असेसमेंट आपका वो जो इन्वेंट्री काउंट मैनेजमेंट का बंदा है वो दे रहा होगा, उस पर वैल्यू भी निकलेगी। इसी तरीके से स्लो मूविंग आइटम्स हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी है, उस पर प्रॉपर टैगिंग होनी चाहिए ऑब्सोलीट आइटम्स की, डैमेज्ड आइटम्स की, आइटम्स प्लेस्ड एट थर्ड पार्टी की लोकेशन डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है, ये कैसे सेपरेट किया जाता है कि जो थर्ड पार्टी ने स्टॉक हमारे पास रखाया हुआ या हमने जो बेच दिया और हमने बेच के उनका साइड पर रख दिया है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर ये 7 से 8 आइटम्स उनके इन्वेंटरी काउंट इंस्ट्रक्शंस या मैनुअल में हैं तो हम उनके मैनुअल पे रिलाय कर सकते हैं कि अगर इसको फॉलो किया जाएगा तो ये इन्वेंटरी जो होगी वो सही ट्रू पिक्चर देगी। अब कहीं पे जो इन्वेंटरी होती है वो क्वांटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल आप बगास ले लें, आप कोल पाइल्स ले लें, यहाँ पे ये होता है कि आप एस्टिमेट करते हैं, मतलब अगर आप किसी बगास बेस्ड प्लांट का ऑडिट करते हैं तो वो बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े नहीं लेकिन वो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, वो अब ऑब्वियसली उसको आप कैसे मेजर करेंगे, उसका फिर असेसमेंट होगी, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट को एंगेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के भी स्पेशलिस्ट होगा, ऑडिटर अपना स्पेशलिस्ट, इसमें रिकमेंडेड है कि ऑडिटर अपना स्पेशलिस्ट लेके जाए, जो वैल्यूअर होंगे वो उसको वैल्यू असेस करें। इसी तरह जो ऐसे बिल्डर्स होते हैं जो कि इन्वेंटरी प्रॉपर्टीज बना बना के बेच रहे होते हैं, वो अपने उसको आप कैसे असेस करेंगे वो भी क्रिटिकल है, वो भी ऑडिटर्स की उसमें जजमेंट नहीं है, आपको 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 वैल्यूअर लेके जाना पड़ेगा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो ये है कि आपने कंट्रोल करना है, आपने ये इवेल्युएट करना है कि जब इन्वेंटरी काउंट हो रहा था तो उस वक्त इन्वेंटरी की मूवमेंट कितनी थी। अगर इन्वेंटरी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली आपका एक सर्टन पॉइंट एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली सूरत हाल में ये होता है कि हम क्लाइंट को कहते हैं कि आपको लेट से कोई ऐसा प्लांट है जिसे 24/7 चलना है और आप रात 12 बजे काउंट करने जाते हैं उससे, तो आप उसे और उनको अगले 1 घंटे के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप वो 1 घंटे का मटेरियल काउंट करके साइड पे कर दें और हमें हम इन्वेंटरी काउंट के दौरान आपको कोई मूवमेंट करने की अलाव नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक एंड पॉइंट है। अगर इस एंड पॉइंट पे कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रही है तो आप क्लोजिंग पिक्चर कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे, तो लीकेजेस वहां पे फिर एग्जिस्ट कर रही होंगी। फिर आपने ये भी इवैल्यूएट करना है कि काउंट किस लेवल पे हो रहा है, कौन कौन से बंदे एंगेज है, क्या मतलब ऑब्वियसली इन्वेंटरी वाला तो करेगा जो स्टोर इंचार्ज है, लेकिन थर्ड पर्सन कौन था अकाउंट्स टीम की तरफ से, इंटरनल ऑडिट की तरफ से। कई दफा हम देखते हैं कि अकाउंट्स अपना बंदा भेजता है, इंटरनल ऑडिट अपना बंदा भेजता है जो कि सुपरवाइज करता है और वो भी रिव्यू कर रहा होता है हमारी तरह इन्वेंटरी काउंट के प्रोसीजर्स। इंस्पेक्शन में आप ऑब्सोलेसेंस देखेंगे, डैमेज देखेंगे, और अगर आप फार्मास्यूटिकल या एफएमसीजी में हैं तो आप एज और एक्सपायरी भी देखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जब डिपेंडिंग ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस। दो ही स्टेप्स हैं आपके जो आप परफॉर्म करेंगे इन्वेंटरी काउंट के दौरान, एक होता है जी शीट टू फ्लोर, दूसरा होता है फ्लोर टू शीट। शीट टू फ्लोर में होता है कि आप ट्रेस करते हैं वो आइटम जो मैनेजमेंट कह रही होती है कि हमारे रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करते हैं और जाके देखते हैं कि क्या वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, इससे हम एग्जिस्टेंस वेरीफाई करते हैं। फ्लोर टू शीट में होता है, इसे हम कंप्लीटनेस वेरीफाई करते हैं कि जितना भी आइटम पड़ा हुआ है वो सारा का सारा कंपनी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। हम कोई आइटम उठाते हैं और उसको ट्रेस करते हैं फिर जाके काउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसके लिए जरूरी ये है कि आपकी इन्वेंटरी प्रॉपरली टैग्ड हो, स्टैकिंग हुई हो और वो उसी तरह से उसकी शीट्स में भी उसी नंबर से रिफ्लेक्ट कर रही हो। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली एक इशू आ जाता है कि अगर हम आइडली हमें इन्वेंटरी काउंट करना चाहिए डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एक आधा दिन ऊपर नीचे होता है तो उसके इतना बड़ा रिस्क नहीं होता क्योंकि हम उसमें मूवमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये पीरियड बढ़ता जाएगा तो हम बीन ऑडिटर मेरे लिए उस पोजिशन पे कमेंट करना 31 दिसंबर की या 30 जून की मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत में हाल में हम क्या करेंगे कि अगर लेट से परपेचुअल इन्वेंटरी है तो नॉर्मली ये नवंबर में अक्टूबर में काउंट हो जाता है, तो उसको आप सर्टेन इंटरवल्स पे देख सकते हैं, उसको आप जाके टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपने एविडेंस लेना है कि क्या इन्वेंटरी अमाउंट्स में चेंज हुआ है काउंट डेट्स में और फाइनेंशियल इन्वेंटरी रिकॉर्ड डेट्स में, उसकी जो उस इंटरवल को है वो टेस्ट कर सकते हैं। ये है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पीरियड से पहले आप काउंट कर रहे हैं आपकी मैनेजमेंट 31 दिसंबर पे, नॉर्मली
जितने बड़े हो जाते हैं आप, ज्यादा बड़ा क्लाइंट होगा, बड़ी लोकेशंस होंगी, 31 दिसंबर पे अकाउंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मली कुछ जगहों पे वो कुछ पीरियड्स में वो नवंबर में कर रहे होते हैं और कुछ लोकेशन पे जाके वो दिसंबर में कर रहे हैं, या कई जगहों पे सितंबर के एंड पे कर रहे होते हैं, फिर दिसंबर में उसको सिर्फ रोल ओवर करके हम प्रोसीजर्स कंक्लूड कर रहे होते हैं। अगर आपको पास बहुत सिग्निफिकेंट बैलेंस या डिफरेंस नजर आए जो परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड डेट में था और जो आपने फिजिकल अकाउंट किया था उसमें, तो फिर आप उसको अवैल्यूएट करेंगे। लेकिन ये सब चीजें ये मैनेजेबल है। इम्पोर्टेंट ये था कि आप ईयर एंड के बाद अपॉइंट हुए या आपने ईयर एंड पे आप काउंट नहीं कर सके और आपने 31 मार्च को जाके या 3 महीने 4 महीने बाद जाके ऑडिट परफॉर्म किया, तो वो एक ट्रिकी सिचुएशन होती है। ऑल्दो उसमें मैनेजमेंट आपको ये एस्टेब्लिश करवा सकती है कि ये मूवमेंट टेस्ट हुई, आप 31 मार्च पे काउंट करते हैं, फिर आप सारी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं और 31 दिसंबर पे अमाउंट पे आ जाते हैं। लेकिन ये इशू इतना सिग्निफिकेंट होता है कि नॉर्मली हम इस पे भी अपनी रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशंस कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने 31 दिसंबर पे उस इन्वेंट्री को फिजिकली टेस्ट नहीं किया, उसकी फिजिकल अश्योरेंस मेरे पास अभी भी नहीं थी। ऑल्दो मैंने अगेन ये बता रहा हूँ कि हमने बैक टेस्टिंग कर भी ली, उसके रिकनसाइलिंग आइटम्स को जाके 31 दिसंबर की फिगर एस्टेब्लिश भी कर ली, लेकिन स्टैंडर्ड ने एग्जाम्पल दी हुई है ऐसी कि जहां पे हमें दोबारा अपनी रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशंस कंसिडर करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर आप काउंट नहीं कर सके, वही मैं बता था कि आप इन्वेंटरी काउंट कर लें किसी ऑल्टरनेटिव डेट पे और फिर इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन को टेस्ट कर लें। अच्छा जी, अब सिचुएशन आगे की, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट इज इम्प्रैक्टिकेबल। ये नॉर्मली हम कहें कि लोकेशन दूर थी तो हम टेस्ट करने नहीं गए, तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकेगा। हाँ, ऑडिटर की लोकेशन लेट से किसी ऐसे एरिया में थी कि जहां पे ऑडिटर की सेफ्टी को थ्रेट था, तो वहां पे एक एक्सक्लूजन की जा सकती है। जनरल इनकन्वीनियंस कि वो लोकेशन दूर थी, मुश्किल थी, वो रात के वक्त का था, उसको वो दिन के वक्त था, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरीके से उन आइटम्स पे जहां पे आप नहीं कर सकेंगे, उस पे आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, आप सब्सिक्वेंट सेल ऑफ इन्वेंटरी दे सकते हैं। इवन अब तो जितनी टेक्नोलॉजी है, तो हमें अच्छी तरह याद है कि हम वीडियोस से भी इन्वेंटरी काउंट परफॉर्म किए हुए हैं जहां पे दूर की लोकेशन है। अगर फिर भी आप सफिशियंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले सकते, तो आप फिर अपनी रिपोर्ट पे मॉडिफिकेशन कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, इन्वेंटरी लोकेशन है थर्ड पार्टी, ऑब्वियसली आप उसे एक कंफर्मेशन तो भेज ही सकते हैं कि क्वांटिटी कितनी बढ़ी हुई है, क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, कंडीशन क्या है। अगर आपको उसकी इंटेग्रिटी पे, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट हो, तो ऑडिटर खुद भी जाके इन्वेंटरी अकाउंट परफॉर्म कर सकता है, ऑडिटर किसी थर्ड पार्टी को एंगेज करके उससे भी इन्वेंटरी अकाउंट परफॉर्म कर सकता है, ऑडिटर उसके उस कंपनी के ऑडिटर से, उस जो भी एंटिटी उसके ऑडिटर से कह सकते हैं कि भाई आप हमें इनके इंटरनल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट दे दें। ये काफी चीजें आपकी इस तरीके से आप इन्वेंटरी हेल्डेड बाय थर्ड पार्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। ये इन्वेंटरी में तो यही था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, तो द हाउस इज ओपन, वी कैन डिस्कस। फैसलाबाद का कोई क्वेश्चन है जब तक यहाँ पर माइक पहुंचता है? आई हैव ए क्वेश्चन एक्चुअली। प्लीज। स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहाँ पर क्लाइंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक माई पाइप्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं अंडर एन एग्रीमेंट विद द क्लाइंट टू सप्लाई सर्टन टाइप ऑफ पाइप्स टू बी यूज बाई दम। इसमें बड़े डायमीटर के भी होते हैं, 2 फुट 4 फुट 8 फुट। और क्लाइंट के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसमें समटाइम्स ये भी होता है कि यू हैव टू मेक अवेलेबल अ सर्टन क्वांटिटी ऑलवेज विद यू सो डैट वेन एवर दे मे नीड इट दे कैन टेक इट। तो उस केस में वो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर की जाती है वो स्टॉक में पड़ी रहती है एंड फॉर कपल ऑफ ईयर्स, मे बी 2 साल 3 साल 4 साल। अब ये स्टील है तो स्टील नेवर गेट्स ऑब्सोलीट, मे बी आफ्टर 50 ईयर्स और 100 ईयर्स मे बी पॉसिबल, बट समटाइम्स रादर वी फेस्ड सम प्रॉब्लम फ्रॉम द रिव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू। रिव्यूअर वॉज इंसिस्टिंग डेट
it's not been moving since last 4 or 5 years. So you have to make the provision of this absolute stock. But we are insisting, and management is also confirming us, because this is not an absolute stock, and this was made according to the agreement covenants. So in that case, what is your take in this regard? बिल्कुल ठीक है जी. इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. पहला एस्पेक्ट ये है कि अगर हम एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो मे बी आई एम नॉट रिकॉलिंग करेक्टली IS-16 में उसकी कैपिटलाइजेशन की भी गुंजाइश एग्जिस्ट करती है कि अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है. एक तो ये उसमें है, हम देख सकते हैं. मैं हो सकता है इसमें गलत हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस सिचुएशन इनकाउंटर नहीं की हुई, लेकिन फ्रॉम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ये मैंने देखी हुई है चीज. सेकेंडली 3 साल 4 साल ये स्टील के केस में तो डेफिनेटली ये कोई मियाद नहीं होगी. अगर चीज बिक नहीं रही तो लेट्स से अगर वो नहीं मूव कर रहा, और मैं एनआरवी टेस्टिंग कर रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, और वैल्यू इज आल्सो इंक्रीजिंग, यू नो, जिस प्राइस पे उसने पहले बेचा 5 साल पहले, अब उसी पाइप की वैल्यू भी बढ़ गई हुई है, तो ही कैन इवन सेल एट मोर प्राइस देन अर्लियर. जी, तो इसका मतलब है उसकी एनआरवी उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, तो फिर तो इंपेयरमेंट भी नहीं बनती. तो ये तो बड़ा इजीली डिफेंडेबल है ये. इसमें अगर वो कह रहा है तो वो मैं उसे इख्तलाफ करूंगा. थैंक यू. अब्दुल्ला भाई, एक जो मेन इशू हमें इन्वेंट्री अकाउंट में फेस करना पड़ता है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, प्रोसेस कह लें, उसके ऊपर हमें एक बड़ा इशू रिव्यूअर्स के साथ भी हमें वो फेस होता है. उसमें ये है कि जब हमारे लड़के जो वर्क इन प्रोसेस को काउंट करने जाते हैं तो ओबियसली वो उसको ऑब्जर्व तो कर रहे होते हैं, और एट द एंड हमें जो वर्क इन प्रोसेस है उसका सर्टिफिकेट जो मैनेजमेंट हमें देती है उसके ऊपर अलाइंस पुट करनी पड़ती है. अब इसके ऊपर रिव्यूज़ का ये सवाल होता है कि अगर उन्होंने मेंशन किया है कि 70% फॉर एग्जांपल कोई स्पेयर पार्ट्स है इतना कंप्लीट है, तो रिव्यूज़ हमसे ये सवाल करते हैं कि आपने ये कैसे असेस किया कि 75% ही ये कंप्लीट है. अब उसके ऊपर देखें, एज ए बीइंग ऑडिटर तो हम तो नहीं असेस कर सकते ना कि 75% है उसमें कंप्लीट है या नहीं. हमें ऑब्वियसली मैनेजमेंट की जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी रिलायंस करना पड़ेगा. देखिए, तो इसके नहीं, ये आप पे जरूरी नहीं है. आप लेट से पहले भी अर्ज की कि अगर इस तरह की चीज है तो स्टैंडर्ड हमेशा अलाउ करता है ऑडिटर को कि आप अपना एक्सपर्ट एंगेज कर, क्योंकि अगर देखें आप लेट से मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं. अगर आप टेक्सटाइल की बात करेंगे तो टेक्सटाइल में वर्किंग प्रोग्रेस में या तो हम उनके इंजीनियर्स पर रिलाई करेंगे या हम देखेंगे कि भाई इनपुट जा कितना रहा है, और हम खुद भी फिजिकल स्टेट से देख सकते हैं. हाँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. डेनिम बन रहा है, डेनिम में इतना ज्यादा नहीं चैलेंज आता. लेकिन कोई चीज लेट से घर बन रहे हैं या कोई आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज बना रहे हैं, उसमें मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है, तो ये फिर एक रिस्क लेने वाली बात है कि खुद ऑल्टर जाके कहेगा ये और मैनेजमेंट पे रिलाय करेगा. ये इसमें मैं उसके साथ हूँ. ये ठीक बात है. अगर वो आप मतलब मटेरियल आइटम है और आपकी 70% वर्क WIP में पड़ा हुआ है तो फिर आपको एंगेज करना चाहिए. अगर आपका इन्वेंटरी 70% WIP में पड़ा हुआ है तो फिर ज्यादती होगी अगर हम नहीं करेंगे एंगेज. ओके, एक और मेरा सवाल है. अभी स्टॉक टेक की एक्टिविटी भी आ रही है. नॉर्मल जो 30 जून ही वर्किंग डे होता है या छुट्टी होती है उसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन आगे जो ये साल है इसमें छुट्टियां भी आ रही हैं ईद की, तो इसमें जो कुछ क्लाइंट्स हैं वो तो जो बिफोर हॉलीडेज़ वो करवाने को तैयार हैं स्टॉक काउंट, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम जो है ईद की पहले क्लोज नहीं कर सकते, ईद की हॉलीडेज़ के बाद ही हम उसको करवाएंगे. तो उसमें फिर जो फिनांस है उसके साथ हमारा पैचअप हो जाता है कि जो कैश काउंट है वो हमें कैश काउंट प्रॉपरली करवा देगा फर्दर वो उसको यूज़ करने से पहले. लेकिन जहाँ पे फिर सवाल आता है प्रोडक्शन का, ओबियसली प्रोडक्शन के ऊपर वो रोक नहीं सकते, तो बीइंग एंगेजमेंट पार्टनर मुझे तो इन चीज़ों का आइडिया है. मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा इम्फोसिस करें. बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे फर्म के भी लड़के बैठे हुए हैं, ताकि वो बेहतर अंडरस्टैंड कर लें कि उन्होंने करना क्या, जिसमें स्टॉक्स इशू हो गए प्रोडक्शन में चले गए, फिर उसमें कुछ सेल भी हो गए फिनिश गुड्स, तो उसके ऊपर आप स्पेशल थोड़ा सा कोई बता दें ताकि लड़के उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर लें. देखिए, पहली बात तो ये कि आप ईयर एंड से जितना आगे जाएंगे आप अपना रिस्क बढ़ाएंगे. ये बहुत क्लियर क्लैरिटी है इसमें कोई दूसरा है ही नहीं, डाउट ही नहीं. अब अगर मैं वैसे भी देखूं तो 30 जून को फ्राइडे है, यकम को सैटरडे संडे है, तो वैसे भी आपकी छुट्टी होनी थी. हाँ, अब वो ईद आ गई है
इसमें अगर प्रोडक्शन रुक, देखें प्रोडक्शन रुक जाती तो फिर भी आप एक चीज चांस ले सकते थे कि आपने पहले काउंट कर लिया और फिर आपने जाके तीन चार जब ईद की छुट्टियां खत्म हुई तब गए और आपने देखा कि स्टॉक तो वही का वही था, मूवमेंट नहीं, चलो ये केस बनाया जा सकता है। लेकिन जब आपकी इन्वेंट्री की मूवमेंट भी हो रही है और आप काउंट भी नहीं कर रहे 31st को, मतलब फिर तो इवन ये तो इतना क्रिटिकल होता है जहां पे कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रही है स्टॉक की, तो हम तो काउंट भी 31st रात 12 बजे करते हैं। क्योंकि आपको अर्ज की ना कि दो चीजें हैं जिस पर आपका अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए, इन्वेंट्री पे और आपकी कैश पे। ये लूज एंड है, मतलब अगर ये प्रॉपर्ली बंद है, आपकी इस पर रिलायंस है, तो कोई चीज यहां से बाहर नहीं निकल सकती। तो अगर आपको उस पर कंफर्ट नहीं है तो ये फिर आपकी ऑडिट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। क्योंकि देखें आप मतलब बाहर की बात कर लें, यूरोप अमेरिका की बात कर लें, 31st दिसंबर में पूरे के पूरे दफ्तर बंद होते हैं, लेकिन फिर भी वो मैनेज करते हैं अपना स्टॉक। इसमें रिकंसिलेशंस के ऊपर हम रिलायंस पुट कर सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल 3 जुलाई को कर लें और रिकंसाइल उसका जो वर्क बैक कर लें। हाँ कर सकते हैं, मतलब मैं बोलूँ ये इंटरवीनिंग पीरियड में 2-3 दिन का इतना मसला होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पार्टनर हूं और आपका एक ये डिपेंड, फिनिश गुड्स की मूवमेंट और चीज है, लेकिन जो विप की WIP की मूवमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग की मूवमेंट है, वहां पे मेरा रिस्क हाई होगा अगर मैं खुद पार्टनर हूं। क्योंकि अगर मेरे पास रिटेल आ रहा है, मैं सिर्फ नॉर्मल रिटेल का काम करता हूँ, मेरे पास गुड्स आ जाते हैं, मैं उसे आगे बेच देता हूँ, ठीक है। लेकिन जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 3 दिन अगेन मैनेजेबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसके स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस को देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप वैसे उनका कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, आपको आप उनकी उनका रिकॉर्ड कितनी जल्दी अपडेट होता है, परपेचुअल रिकॉर्ड अपडेट है या वो हर इन्वेंटरी काउंट पे करके पीरियोडिक अकाउंट अपना कंट्रोल अपडेट करते हैं। फिर ऑब्वियसली अगर वो पीरियोडिक करते हैं तो फिर आपके लिए फिर चैलेंज है, अगर परपेचुअल है तो फिर आप कह सकते हैं हाँ भाई मैंने इसका पहले टेस्ट कर लिया था, इनके जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 30th जून पे भी नहीं करेंगे काउंट, लेकिन मुझे इतनी श्योरिटी है कि इनका परपेचुअल रिकॉर्ड है और पीछे जो इन्वेंट्री है जो सिस्टम में आ रही है वो भी फिजिकल भी एग्जिस्ट होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी, उसको मैच कर रही होगी, फिर मैं ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और फिर मैं ज्यादा रिलाय करूंगा। अगर मैं 3 जून को भी 3 जुलाई को भी कर लूँ तो मैं इंटरवीनिंग पीरियड को टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो टेस्ट पे आपको 100% करना पड़ेगा एक तो, और दूसरा पीरियडिक होगा तो अगेन हो सकता है, लेकिन आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन रोबस्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रोबस्ट करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल कॉस्टिंग के हवाले से, इन्वेंट्री की कॉस्टिंग, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो वहाँ पे तो हम NRV टेस्टिंग कर लेते हैं, फिनिश गुड पे तो 100% कॉस्ट इंकर हो जाती है, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अगर हम वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे जो ओवरहेड्स हम लेबर भी हमारे सामने एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है, रॉ मटेरियल की भी आ जाती है, ओवरहेड्स जो हैं वो एस्टिमेशन होती हैं, वो हम अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो अगर हम कोई भी आइटम अगर 70% या 60% कंप्लीट है और मैनेजमेंट ये कह रही है कि हमने लेबर के इक्वल ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब किया हुआ है, तो उसके लिए हम उसको एक तो हम उसको उसको किस तरह उस पर हम एविडेंस लेंगे और उसके डॉक्यूमेंटेशन हम किस तरह कर सकते हैं कि ताकि हम क्वेश्चन आपका विप की वैल्यूएशन क्या है या विप की इम्पेयरमेंट असेसमेंट वैल्यूएशन वैल्यूएशन, ठीक है। इसमें डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स, रॉ मटेरियल एक्चुअल है, लेबर एक्चुअल है, ओवरहेड एक वेरिएबल चीज है। अच्छा, अब वेरिएबल का आपने पहले तो अपने सिस्टम अंडरस्टैंडिंग में ये डिफाइन करना होगा कि आपका जो उसके ड्राइवर्स कौन से हैं, ठीक है। लेट्स से आपने उसके ड्राइवर्स मशीन आवर्स बना लिए हैं, लेबर आवर्स बना लिए हैं, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपकी सिचुएशन है, और वो ट्रू रिफ्लेक्ट कर भी रहे ओवरहेड का, यानी कि आप ओवरहेड एक्चुअली भी उस पर अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। मतलब वो एक एक्यूरेट शो देगा, तो आपने एक तो उनका रेट वेरीफाई कर लें नॉर्मल कैपेसिटी पे, ठीक है, प्रोवाइडेड कि नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो फिर आपने रिजॉर्ट करना है अपनी एक्चुअल कैपेसिटी पे। स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आप अगर डिफरेंस नहीं है तो आप नॉर्मल कैपेसिटी पे ले सकते हैं, तो आप नॉर्मल प्रोडक्शन और नॉर्मल एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे, वो आपका एक, जो भी आपका ड्राइवर है रेट दे देगा, तो उससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ आप परसेंटेज कितनी कंप्लीशन है ये उसमें बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ ये कि अगर मैं उसको अब्जॉर्ब करता हूँ ड्राइवर्स पे, तो वो जो ड्राइवर की अब्सॉर्प्शन निकलती है वो 70% ऑफ लेबर आवर निकलती है, या 80% ऑफ मशीन आवर्स निकलती है, या मशीन कॉस्ट निकलती है, या 50% ऑफ रॉ मटेरियल निकलती है। हाँ, वो आपने वेरीफाई कर लिया, हाँ भाई इस रेट पे अब्सॉर्ब होगा, तो ये ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट जो 70% निकलेगा लेबर रेट की, ये एक्यूरेट है,
तो फिर आपने रेट वेरीफाई कर लिया, तो एंड पे सिर्फ आपने लेबर से उसको मल्टीप्लाई करना है बस। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब मैडम मैनेजमेंट से हमने रिप्रेजेंटेशन ले ली कि वो कह रहे हैं कि जी हमने इसको 80% अब्जॉर्ब किया है ऑफ लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, तो उस पे हमने उसको वेरीफाई भी किया। रिप्रेजेंटेशन काफी नहीं है, आपने पहले इंश्योर करते हैं कि जो 80% अब्जॉर्ब हो रहा है ये वाकईतन ट्रू रिफ्लेक्शन है या नहीं है, इस पे रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगी आप। ठीक है, तो उसके लिए हम जो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स बनेगा, जो ऑडिटर का एक डॉक्यूमेंट बनेगा, तो उसमें हम उसको किस तरह उस डॉक्यूमेंट को बनाएंगे? देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, आपको ये सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि फॉर इंस्टेंस मैं मिल्क प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मिल्क आता है, मिल्क कलेक्ट होता है, मिल्क के डिफरेंट उसकी स्किमिंग वगैरह जो भी उसको हम अल्ट्रा यूएचटी ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद हम पैकेज्ड मिल्क बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ओवरहेड्स नजर आएंगे, लेबर इंटेंसिव नहीं होगा, ये मशीन इंटेंसिव है, इसमें बिजली लग रही है, इसमें ल्यूब्रिकेंट्स लग रहे हैं, इसमें और तरह तरह के स्पेयर पार्ट्स जो भी उसमें लग रहे हैं। अब मैंने एस्टेब्लिश करना है ओवर द पीरियड के लेट से एक मंथ पे या एक वीक पे कितना ये इतना गया मटेरियल लगा, इतना दूध लीटर्स में गया, और इस लीटर में दूध में इसने इतने की कॉस्ट इनकर की, तो मैं उससे एक परसेंटेज निकाल सकता हूँ। ये वेरीफाई करना मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कॉस्ट ड्राइवर को और उस कॉस्ट को वेरीफाई करूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप फैक्ट्री के विजिट्स में जाते हैं तो आप यही तो कैप्चर करते हैं कि ये लेट से उसने 1000 लीटर निकाला, उस 1000 लीटर ने 20 मिनट्स प्रोसेसिंग के यूज किए, तो आप देखेंगे अच्छा यार 24 आवर्स की कॉस्ट कितनी थी, 24 आवर्स की कॉस्ट को आप 20 मिनट्स पर डिवाइड कर 20 मिनट्स की वो निकालेंगे अप्रोप्रिएशन, तो आपको पता चल जाएगा कि 1000 लीटर के लिए जो 20 मिनट्स की प्रोसेसिंग करते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, तो आप उस पर भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन ये तो डिपेंड करेगा अगेन फैक्टर पे कि उस कॉस्ट का ड्राइविंग फैक्टर क्या है। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा, जब हम वर्क इन प्रोसेस में देख रहे होते हैं कि ये इसका कंप्लीशन स्टेज क्या है, 60% है, 65 है, 70 है, तो वो इजीली जज नहीं हो पाता बहुत सारी चीज़ों में, जिस तरह केमिकल्स में होता है और इसमें पेंट सेक्टर में होता है, टेक्सटाइल की आपने बात की, तो वहाँ पे भी हमें ज़्यादातर मैनेजमेंट पे ही रिलाई करना पड़ता है, तो उसके लिए अगर हम कोई पास्ट प्रैक्टिस हमारी चल रही है तो हम उसको भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि इस स्टेज पे हमने असेस किया था लास्ट टाइम भी कि ये इतना परसेंट कंप्लीट होता है, तो हम उसकी बेस पे डॉक्यूमेंटेशन अपनी कर सकते हैं। देखिए जो चीज़ एज एट होगी ना जी, एज एट मतलब लेट से आप एक रेट पे तो आपने असेस कर लिया कि पिछले साल में रेट आप कहते हैं लेट से अब्सॉर्प्शन रेट मैंने रखा था 70% ऑफ मटेरियल फॉर इंस्टेंस, और आपने देखा कि इस साल में इन्फ्लेशन भी नहीं आई, तो आप ये असेस कर सकते हैं कि हाँ भी 70% अभी भी ट्रू रिफ्लेक्शन होगा, ये तो इसका क्वेश्चन। लेकिन जब आप बात आती है ना जी एज एट की कि ये चीज़ कितनी कंप्लीट है, तो उस पर अनफॉर्चुनेटली आप पास्ट प्रैक्टिस को असेस कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो चीज़ आपके सामने खड़ी है, वो जरूरी है या नहीं है उसका तयन आप नहीं कर सकते कि ये 31 दिसंबर पिछले साल की भी पोजिशन यही थी या नहीं थी। थैंक यू, तो इसमें आपको एक्सपर्ट एंगेज करना पड़ेगा। थैंक यू जी। अब्दुल्ला, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर एक फर्म अपॉइंट होती है एज ऑडिटर सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, तो हमारा स्टॉक जो है वो काउंट नहीं होता, तो क्या सब्सिक्वेंटली हम इसको पोस्ट बैलेंस शीट इसको अगर विटनेस करते हैं फिजिकली, तो फिर जो इसको क्या रोल फॉर बैक करके हमें ईयर एंड क्वांटिटी करना पड़ेगा? ठीक है, और ये एक मुझे इसमें और इजाजत दे दें एक चीज़ टैपल करने की। फाद साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में फरमाया था कि अगर आपका रिकरिंग नेचर क्लाइंट है और वो भी लो रिस्क एरिया अगर आपने उसको डिफाइन किया हुआ था, इवन देन ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज शायद मॉडिफिकेशन इन द रिपोर्ट कंसीडर। हां जी, मॉडिफिकेशन, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बाद में अपॉइंट हुए हैं और आप नहीं कर सके, इसके बावजूद आपने कि आपने सब्सिक्वेंट टेस्ट कर लिया और आपने रिकनसाइलिंग जो पीरियड था उसकी आपने रिकनसिलेशन टेस्टिंग कर ली है या रोल बैक कर ली है, तो ये भी रिस्क इतना सिग्निफिकेंट होगा कि आप स्टिल अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करें, क्योंकि ये एग्जाम्पल है ये स्टैंडर्ड में। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, वो भाई ने जो पहले क्वेश्चन किया उसमें मेरा आधा तो आंसर हो गया कि क्योंकि ज़ाहिर है इस दफ़ा हमारा एक दो दिन का फ़र्क तो आ जाएगा, तो हम 100% काउंट कर रहे हैं, बट अगर हम जो हमने वर्क बैक करना है या वर्क फॉरवर्ड करना है वो भी हम 100% स्टॉक के ऊपर करेंगे या उसमें हम सैम्पलिंग कर सकते हैं? मैं अगेन इन्वेंट्री है, मैं ज़्यादा तौर पर 100% चाहूँगा।
ठीक है, थैंक यू सर। इस पे कुछ क्योंकि बात वही है कि रिकंसिलेशन की फर्दर आप उसमें उस पीरियड की क्या करेंगे, मतलब आप कहेंगे अच्छा यार इतना रिकंसाइल हुआ इसमें फर्दर सैंपल कर लूंगा, आपकी प्रोपोजिशन डिफिकल्ट टू प्रूव हो जाएगी, बहुत मुश्किल होगा आपकी पोजिशन। बात यह है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है, बात सिंपल सी है। लेकिन मैं अगर स्टैंडर्ड्स की भी आप बात करें तो स्टैंडर्ड्स कहते हैं जब आप रिकंसाइल कर रहे होंगे चीजों को, ठीक है, तो तब आप प्रॉपर रिकंसिलेशन पूरी टेस्ट करेंगे उसकी, ठीक है। मतलब ये नहीं होगा कि आप ये अच्छा, क्योंकि सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है, लेट्स से डिफरेंस रह गया 0.5 का फॉर इंस्टेंस जो आपने टेस्ट नहीं किया, लेकिन वो हो सकता है कि 10 मिलियन की रिसीट्स पड़ी हो और 9.5 मिलियन की डिस्पैचेस पड़ी हो और उसका नेट रिजल्टेंट 0.5 हो, ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अभी सवाल हुआ उसके ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, अगर आपको प्रीवियस ऑडिटर जब ईयर एंड था वो अपॉइंटेड था, अगर वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन दे देता है इन्वेंट्री अकाउंट के ऊपर या कैश अकाउंट के ऊपर, क्या उसके ऊपर हम रिलायंस पुट कर सकते हैं? नहीं, आप अब आप देखेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में आप ऑडिटर दूसरे ऑडिटर को रेफर नहीं कर सकते अपनी रिपोर्ट में, ये पहले होता था कभी, बाद में रिमूव कर दिया गया था, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे खुद ही सोलली, तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आप क्यों लेंगे रिस्क वाला। ओके थैंक यू। जी जी प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये था कि इन्वेंट्री अकाउंट में हमने क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी करनी है, और उसके अलावा ये बता दें कि सुन रहे हैं? जी जी प्लीज। ये बता दें कि इन्वेंट्री अकाउंट में क्या हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है, और उसके अलावा स्टॉक तो करना है, और क्लाइंट के जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसने अकाउंट करना है, हमने ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्वेशन हमें 100% उनके अकाउंट की है या उसका कुछ पोर्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें पूरा दिन लग जाता है इन्वेंट्री अकाउंट करते हुए तो हमने भी 100% ऑब्जर्व करना है जी, कर लिया। आप उधर प्रेजेंट रहेंगे लेकिन आप सैंपल बेसिस पे खुद कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं, आपको 100% काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पूरे काउंट के दौरान आपकी टीम वहां पे रहेगी कि वो पूरे उस प्रोसेस को मॉनिटर करे। जो आपका पहला क्वेश्चन है वैल्यूएशन का, वैल्यूएशन एक सेपरेट एक्सरसाइज है। हाँ, आप एक जनरल स्टेट ऑफ इन्वेंट्री का आइडिया ले सकते हैं कि ऑब्सोलेसेंस कितनी थी, डिटेरियोरेशन कितनी थी, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कितने थे, वो जो कि आपको वैल्यूएशन में हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री काउंट का तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एग्जिस्टेंस वेरीफाई करें। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। कैन वी, वी आर रनिंग अ लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम, कैन वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट प्लीज? जी प्लीज। लाइक क्वेश्चन इज सही क्वेश्चन था प्लीज, क्वेश्चंस आर क्विकली इफ यू कैन प्लीज। सर एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि इन्वेंटरी ऑब्सोलीट हो गई है, तो इसमें अगर आप कह रहे थे कि कितनी ऑब्सोलीट हो चुकी है या कितनी स्लो मूविंग है, अगर ये तो मटेरियल आइटम है इसके लिए आप कह रहे थे कि हम अपना ऑडिटर एक्सपर्ट एंगेज करेंगे, अगर ये इमटेरियल है हम मैनेजमेंट एस्टीमेट है उस पर रिलाई कर सकते हैं? जी अगर इमटेरियल है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन कितना कोई मटेरियल ये आपको असेस करना पड़ेगा। सॉरी मैंने पुरानी अब्दुल्ला रिक्वेस्ट किया अगर ये थोड़ा सा जल्दी रैप अप हो सके बिकॉज़ यहां पर आवाम जो है सुबह ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको 15 मिनट तो होंगे हमारे पास, चलो गो अहेड। ओके अच्छा जी, जनरल एंटिटी टेस्टिंग अगेन बहुत ही हॉट टॉपिक है पिछले कुछ सालों से, और इस पे हम कंटीन्यूअसली देख रहे हैं कि अभी भी उस तरह से फाइल्स में ये उसकी जो टेस्टिंग है रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अच्छा जी, जनरल एंटिटी टेस्टिंग ऑब्वियसली जेईज वो हैं जो कि आप इसको नॉर्मली पहले कुछ अर्से था इसको पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक हेड टेस्टिंग ही लिया जाता था एज अ सेपरेट टॉपिक जो हाईलाइट में आया है पिछले कुछ सालों से आया, ऑल्दो ये हो रहा था लेकिन इस पर इतनी एम्फेसिस नहीं था पहले। चीज जेई टेस्टिंग जो है जनरल एंटिटी टेस्टिंग है ये आपकी प्लानिंग से शुरू होती है और ये कंटिन्यू करती है थ्रू आउट योर एग्जीक्यूशन और फिर कंक्लूजन में भी। अब जब हम जेई टेस्टिंग कर रहे होते हैं हमारा फोकस किन चीजों पे होता है, हम वो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं विच आर नॉट सब्जेक्ट टू द सेम लेवल ऑफ कंट्रोल्स
which are unique transactions, one-off transactions, technical standards होते हैं, impairments की हो गई है, consolidation की हो गई है, acquisition accounting हो गई है, जहां पे आपको लगता है कि management का बहुत heightened risk of override involved है, management कुछ अपनी calculations को, कुछ अपनी assumptions को change करके बहुत बड़ा impact लेके आ सकती है, वो उन transaction पे हमारा ज्यादा focus होता है JEE testing में. Unique है, high risk capabilities है, characteristics हैं, sorry, उस पे हम JEE testing को focus करते हैं. अब factors to consider क्या होंगे? JEE testing से आपको understanding of the entity भी influence कर रहा होगा, आपकी audit strategy भी कर रही होगी, types of journal entries भी बहुत ज़्यादा important है. Normally जो systematic transactions होती हैं, उसको आप अगर एक दफा reliance ले रहे हैं, उस पे system की understanding ले रहे हैं, तो आपको उस पे इतना ज़्यादा risk exist नहीं करता. तो फिर हम manual, one of और year end journal entries पे ज़्यादा focus कर रहे होते हैं. फिर जो सबसे बड़ा factor influence करता है, वो होता है complex accounts को करता है और one of accounts को करता है जो unique nature के होते हैं. प्रोसेसिंग जो रिजल्टेंट निकल रहा है वो बहुत ही किसी आईटी हाईली आईटी सोर्स्ड एप्लीकेशन से निकल रहा है, जहां पे हम बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से ले सकते हैं, मतलब इन पे हमारा फोकस होता है, जो ट्रिपल लाइन में खत्म हो रही है, जो राउंड नंबर्स में खत्म हो रही है, जो सैटरडे संडेज को लग रही है, जो एंट्रीज लेट से उसका डुअल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि आपने डेबिट एसेट कर दिया, क्रेडिट एक्सपेंस कर दिया, एंट्री तो होगी पूरी लेकिन ये इम्प्रॉपर अकाउंट पेयरिंग वाली एंट्री थी, ठीक है, ये यूनिक एंट्री थी, इसको आइडेंटिफाई, मतलब एंट्री पूरी हो जाएगी, आप छोटी छोटी एंट्री करते बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, लेकिन इसका डुअल ऑब्जेक्टिव होगा, गलत एंट्री है, आपके एसेट भी बढ़ रहा है, आपका एक्सपेंस भी कम हो रहा है. इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक इंट्रोड्यूस करें एक एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन टू योर टेस्टिंग. किन चीजों पर आपका फोकस होगा वो रिजल्ट करेंगे आपके फ्रॉड रिस्क की इंक्वायरीज के साथ. आप उनसे पूछेंगे कि कौन सी जो डिफरेंट लोग हैं जो कि रिपोर्टिंग के प्रोसीजर में, जो रिपोर्टिंग के सिस्टम में इन्वॉल्व है, कि आप बताएं कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कौन सी थी, प्रोसेसिंग कहाँ पे चेंज होगी, कहाँ पे आपने देखा कि CFO ने कहा कि भाई हम मैं एंट्री खुद करूंगा. यहाँ पे हमें अक्सर चीजें नजर आई कि एक मुझे इतना याद है, एक क्लाइंट पे जब मैं ट्रेनिंग पे था, वहां पे एक बंदे ने शेयर किया कि उन्होंने देखा कि CFO ने ट्रांजेक्शन की हुई थी और वो ट्रांजेक्शन बहुत छोटी थी, तो उन्हें समझ नहीं आई कि ये ट्रांजेक्शन CFO ने क्यों किया, तो उन्होंने उसको निकाला बाहर, डिगिंग शुरू की उसकी, तो उन्हें पता चला कि वहां पे उसने क्या किया था, उसने एक सब्सिडरी छुपाई हुई थी और उसके नेट एसेट्स को उसने डाल के पिम कैश टू नेट एसेट्स की एंट्री डाली हुई थी, तो उसने कंसोलिडेशन ही अवॉइड कर दी थी. तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि हम देखते हैं कि वो लोग जो नॉर्मली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते JEE टेस्टिंग में, अगर वो लोग जनरल एंट्री टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें ज्यादा हमारी रिस्की हो जाती है. इसी तरीके से अगर हम कुछ देखें सोर्सेज में कि जनरल एंट्री कौन पोस्ट कर रहा है, तो नॉर्मली जो लोग प्रोडक्शन, जो आईटी प्रोडक्शन वाले हैं, जो आईटी वाले एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो उनके पास राइट नहीं होता कि वो सिस्टम में आके एंट्रीज पोस्ट कर सके. अगर हम ऐसा देखें कि जो आईटी का ही बंदा एंट्री पोस्ट कर रहा है और वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसको मेंटेन करने के लिए भी, तो ये बहुत सीरियस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का रिस्क एग्जिस्ट करता होगा. इसी तरीके से वो JEE जिसपे हम देखते हैं कि विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है या विदाउट प्रॉपर रैशनल है, ये लिखा जी ऑन द ऑर्डर ऑफ CEO एज पर द ईमेल कम्युनिकेटेड, या डाल दें टू रिकॉर्ड द एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पेड टू गेस्ट, ये ट्रांजेक्शन हैं जो कि कुछ आप बज वर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ RPTs के रिलेटेड पार्टीज के बज वर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसी तरीके से वो एंट्रीज JEE जिसकी आपको सपोर्टिंग में नजर आए, आप उसको भी सेपरेटली आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए. JEE टेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप JEE को समझें कि JEE किस तरह की हैं. आपकी JEE नॉर्मली दो तरीके की होती हैं, अगर हम उसको प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्निकलिटी के देखें, सिस्टम बेस्ड टेक्निकलिटी, सिस्टम जनरेटेड और मैनुअल. सिस्टम जनरेटेड डेप्रेशन की एंट्री सिस्टम जनरेटेड होती है, अगर आप सेल की एंट्री करें तो अगर कई जगहों पे सेल मैनुअल होती है, लेकिन जहाँ पे बाय बहुत ही हाईली ऑटोमाइज्ड यूनिट्स हैं, जैसे ही गुड्स निकलते हैं वो ठक के एंट्री डालता है, रिसीवेबल डेबिट करता है, क्रेडिट करता है कैश और क्रेडिट करता है वैट पेएबल. मैनुअल एंट्रीज जितनी ज्यादा होंगी, जिस एरियाज में ज्यादा होंगी, हमारा जनरल एंट्री का टेस्ट उसको ज्यादा फोकस कर रहा होगा. फिर इन्हीं दो तरह की जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन कैटेगरीज में, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड और अदर एडजस्टमेंट. स्टैंडर्ड जो होती हैं, जो कि डेली बेस पे होती हैं, नॉर्मल आपके एंटिटीज के कंट्रोल प्रोसीजर लग रहे होते हैं. नॉर्मल नॉन स्टैंडर्ड ही होती हैं कि लेट से
आपका बिजनेस रिटेल का था, आपने एक पीस ऑफ लैंड एक्वायर करके उस पर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने का सोचा, वो आपका एक नॉन स्टैंडर्ड हो सकता है। आपने देखा एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्टिव पब्लिकेशन की एंट्री आ गई है, वो आपका एक नॉन स्टैंडर्ड है। अदर एडजस्टमेंट फिर होती हैं जो कि फुली डॉक्यूमेंटेड नहीं होती जेई में, जो कि आप जनरल लेजर में ऑल टुगेदर रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे, ये ज्यादा रिस्की होती हैं। ऑब्वियसली इसका स्कोप उस तरीके से नहीं होता, उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये ट्रांजेक्शन है जो कि आपने हमेशा ही टेस्ट करनी है एज पार्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट। अगर आपने ये नहीं की तो आपका जो लैक होगा इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो जनरल एंट्रीज आप ईयर एंड के करीब और ईयर एंड पे कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज प्रोसेस, वो 100% टेस्ट होती हैं। पोस्ट क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स वो टेस्ट होती हैं। जेईज और जो अदर एडजस्टमेंट जो आप आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करते हैं, यानी कि आपने जैसा मैंने देखा कि आपने एक सब्सिडरी एक्वायर कर ली, वो आपके आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस थी, उसको आप हमेशा हमेशा टेस्ट करेंगे। डिफरेंट फिल्टरिंग क्राइटेरिया है। अब बात चल रही है कि आप कहते हैं कि पहले था हम करते थे व्हाट कुड गो रॉन्ग कंट्रोल्स में, कि क्या गलत हो सकता है। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है व्हाट हैज गोन रॉन्ग। तो व्हाट हैज गोन रॉन्ग की जब हम बात करते हैं तो हम पूरे डेट ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरल लेजर का जो डंप है उसको असेस कर रहे होते हैं। हम प्रॉपर डंप मंगवाते हैं क्लाइंट से और फिर हम उसको असेस करते हैं। उसको हम किस तरीके से असेस कर सकते हैं, हम उसे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे सकते हैं कि भाई ये देखो कि किस किस बंदे ने एंट्री की। हम कहते हैं देखो भाई ये देखो कि सेल के बंदे ने जाकर प्रोडक्शन में तो नहीं एंट्री कर दी, या आईटी के बंदे ने जाके किसी और जगह पे तो नहीं एंट्री कर दिया। वो आईटी का बंदा कहीं पे भी एंट्री कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही हाईली रिस्की सिचुएशन हो जाएगी। फिर हम उसे सर्टन थ्रेशोल्ड दे सकते हैं कि भाई इस अमाउंट से बड़ी जो भी एंट्रीज है वो बाहर निकाल, वो अमाउंट वो निकाल सकता है। हम उसे ईयर एंड की एंट्रीज दे सकते हैं कि भाई ये ईयर एंड की ट्रांजेक्शन हुई है इसको निकाल दो। हम उसे कह सकते हैं कि भाई जो एंट्रीज सैटरडे संडे को हो रही है वो निकाल दो। फिर हम उसे स्पेसिफिक फ्रेज से भी सर्च कर सकते हैं कि एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑन द डायरेक्शन ऑफ टू करेक्ट द एरर, इस तरह की ट्रांजेक्शन आप निकाल सकते हैं। जो आपकी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट और कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स को हिट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोविजंस को हिट कर रही है, आपके सस्पेंस अकाउंट्स को हिट कर रही है, आपके रिसीवेबल्स की प्रोविजंस को हिट कर रही है, वो सारी क्रिटिकल होंगी वहां पे। एनालाइज और फिल्टर में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, फिल्टर जो रिकमेंडेड है वो जनरल एंट्रीज जो कि अनरिलेटेड और अनयूजुअल अकाउंट्स में हो रही हैं, एक्सपेंस टू डेबिट एसेट की एंट्री हो रही है, अकाउंट जो कभी कभार यूज होते हैं वो उनकी एंट्रीज हो रही हैं, एंट्रीज वो लोग कर रहे हैं जो नॉर्मली नहीं करते, कंट्रोलर कर रहा है, सीएफओ कर रहा है, एंट्रीज वीकेंड्स पे हो रही हैं, लेट नाइट हो रही हैं, एंट्रीज जो बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन के साथ हो रही हैं, वो एंट्रीज जिसमें अकाउंट नंबर्स नहीं आ रहे, वो एंट्रीज जिनमें एंड पे 000 आ रहा है, 999 आ रहा है, वो एंट्रीज जहां पे लिखा गया था एज पर द ऑर्डर ऑफ मिस्टर एबीसी, जो कि आपके अनयूजुअल होती हैं। लेट्स से आप देखते हैं कि आपका रेवेन्यू का जो सोर्स है उसमें वो सोर्स फिक्स एसेट्स की भी एंट्रीज को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये सोर्स भी फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि आप नॉर्मली उस सोर्स को एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो फिक्स एसेट में एंट्री डालेगा। तो इस तरह से जो इम्प्रॉपर सोर्सेज है उसको भी आप आइडेंटिफाई करते हैं। अब जनरल एंट्रीज में आप क्या टेस्ट करते हैं, ये चार चीजें, क्या वो जनरल एंट्री प्रॉपरली सपोर्टेड थी अंडरलाइन बिजनेस रैशनल से, क्या उसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन थी, क्या उसको सही हेड में रिकॉर्ड किया गया, और क्या आया उसको सही पीरियड में भी रिकॉर्ड किया गया या नहीं किया गया। ये चार चीजें आपने डेमोन्स्ट्रेट करनी है एज पार्ट ऑफ जो जनरल एंट्री टेस्टिंग की आपने परफॉर्म किया है। अच्छा जी, अब आपने टेस्टिंग की और आपने कुछ अनयूजुअल आइटम आइडेंटिफाई किया, अनयूजुअल आइटम ऐसे आइडेंटिफाई किया जिसने कोई ट्रेंड जो प्रोसेस रेशियो को जो कि आपने एक्सपेक्टेशन बनाई थी उसको फुलफिल नहीं किया, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे क्या वो अनयूजुअल आइटम एक्सेप्शन थी या नहीं थी। अगर तो एक्सेप्शन थी वो तो आप उसे प्रॉपर ऑडिट एविडेंस लेके कंक्लूड कर देंगे, लेकिन अगर आपने देखा कि वो एक्सेप्शन नहीं है तो आप उसको एवेल्युएट करेंगे क्या ये मिसस्टेटमेंट है या नहीं, और फिर आप उसको उसी तरीके से आपको उसे अपने जो ऑडिट डिफरेंस का स्केड्यूल है उसमें लेके जाना पड़ेगा।
आप क्या चीजें इवेल्युएट कर सकते हैं इन डिटर्मिनेशन कि ये एक्सेप्शन थी या नहीं थी. आप उस ट्रांजेक्शन का साइज देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं, रिलेशनशिप देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर सोर्सेज में, अकाउंट्स में, प्रिपेयरर में किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कि कितने फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन हो रही है. ऑब्वियसली जो वन ऑफ ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा रिस्की है. कॉन्ट्रेरी एविडेंस जो आपने अदर ऑडिट जो आपने परफॉर्म किए हैं उन रेलिवेंट हेड्स की टेस्टिंग में, उस एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो आप निकाल सकते हैं. ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिंस हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. अच्छा जी, ये जो मेंटल मॉडल शिफ्ट हो रहा है जेई टेस्टिंग में, इसको हम देखते हैं कि पहले क्या होता था कि हमें पूरी पॉपुलेशन नहीं मिलती थी जनरल्स की. हम फोकस करते थे राउंड नंबर्स पे, फ्रेजेस पे, अकाउंट्स पेयरिंग पे. हम बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते थे, इनकंसिस्टेंट प्रोसीजर देख लेते थे. अब ऐसा नहीं है. अब हम कहते हैं कि जी डेटा इज आर स्टार्टिंग पॉइंट, टॉप डाउन अप्रोच है. हम बिग पिक्चर देखते हैं, उसको फिर नैरो डाउन करते हैं. हम वहां पे अकाउंट्स को टेस्ट करते हैं, वो स्कॉर्स टेस्ट करते हैं जिसपे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है. जनरल एंट्री टेस्टिंग अब एक ईयर एंड का प्रोसेस नहीं रह गया, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट आपके ऑडिट में चलता है. और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप 100% ऑफ योर पॉपुलेशन टेस्ट करते हैं. ये डिफरेंट चीजें हैं जो कि आप एनालाइज कर सकते हैं, बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को, प्रोसेस मैप को, प्रिपेयर मैप को, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. ये अगेन बहुत स्पेसिफिक है, हर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक है. आई एम नॉट श्योर कि हम SMP लेवल पे इस किस्म की कैपेबिलिटीज अभी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती. बस जस्ट यू गिव यू अ फ्लेवर कि ये 6 से 7 चीजें हम असेस कर सकते हैं. और दैट्स इट, दैट्स इट. एनी क्वेश्चन फ्रॉम जनरल एंट्री टेस्टिंग? ये 1 मिनट. फैसलाबाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज. फैसलाबाद जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने 100% टेस्टिंग की जनरेटरी, तो क्यूसी आपने हमें क्वेश्चन किया कि जी ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल कि आपने 100% जनरेटरी चेक की. आपने अभी फरमाया है कि जनरेटरी जो है कि 100% चेक करनी चाहिए, तो इसका क्या जवाब है? टेस्ट नहीं का, मैंने कहा हम 100% पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं और टेस्ट हम उसमें से सैंपल को ही करते हैं. मतलब हमारे पास विजिबिलिटी होती है कि हम कहते हैं ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है जो क्लाइंट का है, पूरा जनरल लेजर है, वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, मुझे पता है कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ से फ्लो कर रही है, मैं पूरे डेटा को कैप्चर कर रहा हूँ. अच्छा, अब आपने 100% टेस्टिंग की है वो, मतलब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता. हो सकता है वो आपने कुछ जो आपने सेक्शंस में टेस्टिंग की है उसको लिवरेज किया हो, कुछ आपने वहां से उसको लिवरेज किया हो जो आपने एज पार्ट ऑफ जनरल एंट्री टेस्टिंग की है, इस तरीके से आपने 100% टेस्टिंग की हो. लेकिन अगर की है तो वो मतलब हो सकती है, मतलब आपने डेफिनेटली की होगी, लेकिन वो शायद उसमें आपकी फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर हुई होगी, आपके स्टाफ आवर्स बहुत ज्यादा लगे होंगे. नहीं, उसमें ये रैंक पे बहुत कम जनरल एंट्रीज थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत कम थी, जी बिल्कुल, यही मैं आपको अर्ज कर रहा था पहले. लेकिन अगर उसमें आपने फिर अपना फोकस बनाना है ना कि आपको कहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है. लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत ही हाईली ऑटोमेटेड बिजनेस है, ठीक है, GDN गुड डिस्पैच नोट बनता है, साल सेल रिकॉर्ड हो जाती है, इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर के बाद सेल में कोई एंट्री नहीं हो रही होगी, ठीक है, एग्री? अगर प्रॉपर कट ऑफ लगा है तो इसका मतलब है सिस्टम एंट्री डाल रहा है 31 दिसंबर के बाद सेल की एंट्री नहीं हो रही होगी. मैंने सिस्टम देखा, मुझे उसने बताया कि 31 दिसंबर के बाद सेल में कोई एंट्री नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इस पर रिलायंस मिल गई. हाँ, मैंने ये देखा कि सेल रिवर्सल की एंट्री हो रही है, डेबिट्स हो रहे हैं सेल में. अब मेरे लिए वो पॉपुलेशन रेलिवेंट नहीं है, सेल की रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो मेरे कंफर्ट मिल गया कि भाई सिस्टम इतना अच्छा है कि सिस्टम 31 के बाद सेल नहीं होने देगा. हाँ, ये मैंने देखा भाई सेल कम क्यों कर रहा है, क्या ये सेल राइट अमाउंट से कम भी हो रही है, नहीं हो रही. फिर मैंने उसका वो सैंपल निकाल लिया. अब मैंने कहा भाई ये मेरा राइट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होगा जिसमें मैं टेस्टिंग करूँ, ये मेरे लिए रिस्की चीज है. फिर मैंने देखा उसको असेस किया कि भाई इसमें से कौन सी एंट्रीज ऐसी हो रही हैं जो कि एक रूटीन के डिस्काउंट्स हैं
और या जो रिवर्सल है, फिर मैंने उसमें से रिवर्सल पकड़ ली, रूटीन के डिस्काउंट आपको बाद में मिल सकते हैं, आपकी प्रमोशन चली आपने दे दिया, मैंने उससे एविडेंस ले लिया, लेकिन मैंने वो अपना फोकस किया उस पर कि जो कि डिस्क्रिशनरी डिस्काउंट था या डिस्क्रिशनरी रिवर्सल थे, मैंने फिर उसकी अमाउंट निकाली और फिर हमने उससे पूछा कि फिर उनको चैलेंज किया, हमने फिर उस पर ये चैलेंज नहीं किया कि ये अमाउंट कंप्लीट कहाँ से, हमने फिर उनसे चैलेंज किया कि ये अमाउंट कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू पे मेरा रिस्क है अकरेंस का और जो रिवर्सल हो रही है वो मैंने देखना है कि रिवर्सल कंप्लीट अमाउंट से हो रही है नहीं, तो ये प्रॉपर जस्टिफाई करके आप आएंगे, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। सर ये पर्टिकुलर सिनेरियो से मैं जवाब कर सकता हूँ, ये वो मतलब ऑब्वियसली मुझे नहीं पता वो आप किस आइटम्स की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से आया था उससे पहले भी ये QCR करवा के आ रहा था, तो उन्होंने मतलब बाय इन किया था, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने उस पर मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जो कि मुझे लगे कि क्वेश्चन ऐसा था जो कि मैं मतलब उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मायूब क्वेश्चन पूछ लिया जो कि गलत था, ऐसा बात ऐसी बात मैंने नहीं फेस की, हो सकता है आपने फेस की हो लेकिन मुझे उसके सर्कमस्टांसेस नहीं पता। सर आपकी आवाज ना बहुत दूर से आती है और कई दफा कट जाती है, तो जरा प्लीज दोबारा फरमाइएगा। हमने ड्यूरिंग द QCR ये देखा है कि QCR वाला जो है ना वो रिव्यूअर नहीं है बल्कि दे आर डिटेक्टर, वो ये चीजें ढूंढते हैं कि कहां से हमें कोई ना कोई हम भी मिल जाए कोई ना कोई। अच्छा आई वुड लाइक टू इंटरजेक्ट कि हम लोगों ने डे 4 के ऊपर QCR का सेपरेट एक करना है, तो अगर आपका उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो हम उस दिन उसको टैकल कर सकते हैं, जो रेलेवेंट पर्सन है उसको वो पर्सन हमने डिपार्टमेंट को भी रेफर किया केस, उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो इसका कोई हल होना चाहिए। QCR के जो रिव्यूअर आते हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर करें। अगेन वो चूंकि QCR से रिलेटेड है उस दिन उसको हैंडल करने का ज्यादा बेटर, जो बात है वो फरमा रहे हैं कि आप फोर्थ डे पे उसके क्वेश्चंस रेज आउट कर लें, मे बी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसका आंसर कर पाऊं। या और ये तो इसका आंसर तो प्रेसिडेंट साहब ने भी नहीं दिया, वो भी कहते हैं कि QCR पार्टनर जो है वो इंडिपेंडेंट है। सर वो फिर माजर के साथ अगेन आपको उन्हीं से رابطہ करना पड़ेगा, मैं इसका कोई जवाब नहीं ना मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसका कोई कमेंट कर सकूं। बात सही है, फिर इसका रिस्पांसिबल कौन है, किसको रेफर करें, ये केस किससे पूछें। सर अगेन डे 4 के ऊपर QCR का होगा हमारा, उसके ऊपर आप ये क्वेश्चन रेस कीजिएगा, वहाँ पर रेलेवेंट पर्सनल होंगे जो इसको जो है प्रॉपरली एड्रेस कर सकेंगे। सर वो प्रेसिडेंट साहब ने जवाब दे रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं तो उनसे जवाब प्रेसिडेंट के मतलब सर आपका क्वेश्चन हम ले लेंगे, थैंक यू वेरी मच सर, इंशाल्लाह इसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। जी यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉपुलेशन की कम्प्लीटनेस को कैसे इंश्योर किया जाएगा JEE टेस्टिंग के लिए, और सेकंडली जो पॉपुलेशन है वो हम सिंगल एंट्री लेंगे जैसे डेबिट है या क्रेडिट, या कम्प्लीट एंट्री लेनी चाहिए डेबिट और क्रेडिट दोनों लेंगे आप, और पॉपुलेशन की इंश्योरिटी के लिए वही प्रोटोकॉल हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस में एंटिटी की टेस्टिंग है, आप देखेंगे कि उन्होंने सही इनपुट दिया, उन्होंने प्रॉपर सारे अकाउंट्स लिए, आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स निकाल लेंगे और देखेंगे जो उन्होंने फंक्शन जो क्यूरी दी उसमें उन्होंने पूरी रेंज दी, उसमें उन्होंने रेलेवेंट पीरियड दिया, उसमें उसने उस पर प्रॉपर कंट्रोल होगा। फिर अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो क्यूरी दे रहे हैं वो अगर SQL की क्यूरी है तो आप अपने IT को भी इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप IT एक्सपर्ट तो है नहीं, तो आप उसके लिए उसको भी इंगेज कर सकते हैं कि ये इन्होंने जो क्यूरी दी थी क्या इस क्यूरी पे हम रिलायंस प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर आपने ये देखना है कि जो सिस्टम ने प्रोसेसिंग की उसने जो आउटपुट में आपको ट्रायल बैलेंस और डंप दिया जनरल लेजर का, उसको आप उसके हैश टोटल्स होते हैं कि जो अकाउंट्स आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ रहे हैं और जो अकाउंट्स आपके जनरल लेजर के डंप में आ रहे हैं वो टैली कर रहे हैं नहीं कर रहे, सबसे बड़ा ये आपका है मैच। फिर आप देखते हैं कि क्या वो ट्रांजेक्शन जीरो हो रही है या नहीं हो रही, फिर आप उनके सम ऑफ डेबिट्स और सम ऑफ क्रेडिट्स को भी ट्रायल बैलेंस के सम ऑफ डेबिट्स और सम ऑफ क्रेडिट से भी मैच कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जिसको आप यूज करके अपनी पॉपुलेशन पर रिलायंस ले सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव है काम।
दुला भाई, आपने जो क्राइटेरिया है इसका जेई टेस्टिंग का बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि फ्राइडे की अगर कोई इंट्रीज हो रही हैं उनको सेलेक्ट कर लें, अगर सीएफओ कोई इंट्रीज पोस्ट कर रहा है उनको कर लें, हाई वैल्यू कर लें। मेरा सवाल है सिलेक्शन के ऊपर, क्या क्या सारी हमने जो फ्राइडे को जो इंट्रीज हो रही हैं सारी सेलेक्ट करनी है, या सीएफओ जो सारी इंट्रीज पोस्ट कर सबका ही हमने सिलेक्शन में लेना है? काइंडली जो सिलेक्शन जो सैंपल है ना कितना सेलेक्ट करना है इसके ऊपर बता दें। देखिए जेई टेस्टिंग में सबसे जो क्रिटिकल चीज है ना वो आपने अपनी एक्सपेक्टेशन डॉक्यूमेंट करनी कि अंडरस्टैंडिंग, जो मैं आपको बताया कि मैंने जब अंडरस्टैंडिंग ली मैंने ये लिया कि 31 दिसंबर के बाद सिस्टम में सेल की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये मैंने वॉक थ्रू किया, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के, फिर मैंने ये इतनी रॉबस्ट अपनी एक्सपेक्टेशन बनाई। तो आपने एक्सपेक्टेशन ये बनानी है कि आप फ्राइडे को एंट्रीज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मां सिवाय मंथ एंड के क्लोजिंग पे, जहां पे लोग बैठे होंगे और लेट से 10-11 बजे तक एंट्रीज हो रही होंगी, ये आप अंडरस्टैंडिंग से डॉक्यूमेंट करें। हाँ, अब आप देखते हैं कि यार ये 15 जून को एंट्रीज हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? लेकिन फिर आपने कहा अच्छा यार ये तो साल का ईयर एंड था, तो हो सकता है इन्होंने कंजेक्टिव 2 हफ्ते लगाए हों जुमे वाले लेट नाइट बैठे। लेकिन अगर आप ये मार्च में देखेंगे जाके तो आप कहेंगे यार ये जो मार्च के जो है फ्राइडेज या सैटरडेज को एंट्रीज हो रही हैं ये मेरी एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं करेंगे। आप उसको ड्रिल डाउन कर लेंगे, आप वो सारी ट्रांजेक्शन निकाल लेंगे, फिर आप उसमें से असेस करेंगे, आप उसको स्ट्रेटिफाई करेंगे, अच्छा इसमें से कौन सी एंट्री हो रही है जो रेवेन्यू को हिट कर, आपने देखा उसमें से 90% एंट्रीज रेवेन्यू को हिट करें, आपने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों हुआ था, तो वो होता है ये नॉर्मली, वो आपको बता सकते हैं कि मेरे फलाने स्टोर से जो डेटा आना था वो एक दिन पहले आना था, वो नहीं आया, वो जुमे को लेट आया तो हमने क्लोजिंग के लिए बैठना पड़ा हमें लेट, या हमें उस दिन की एंट्री के लिए लेट बैठना पड़ा, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पे बेस करेगा एंटायरली। हाँ, लेकिन सीएफओ जो एंट्री डाल रहा है वो आपको 100% टेस्ट करेगा। एनी अदर क्वेश्चन? लाहौर मुल्तान, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन रेज इट नाउ। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी क्या कहे मुल्तान? कंप्लीट होनी चाहिए, तो पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस को हम किस तरह शो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वे रिलाय ऑन द डेटा फॉर द मैनेजमेंट या प्लान। तो अब तक फर्स्ट प्ले के अंदर रिटर्न या रिटर्न तो उसने सेल दिखा दी है, उसी के लिहाज से वो सप्लाई रजिस्टर मैनेजर के देते हैं। तो मुझे आपकी माजर साथ आवाज बहुत बिट्स एंड पीसेस में आ रही है, शायद आप माइक से दूर हैं या क्या वजह है, मुझे आपकी आवाज नहीं, लेकिन मुझे जो समझ आई है वो आप कहना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस पे आपकी इंश्योर कैसे इंश्योर करेंगे उसको, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली जी अल्टीमेटली तो हम जो डाटा मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया उसी पर रिलाय कर रहे हैं ना, अगर वो उसको मैनेज करके या एडजस्ट करके या हाइड करके दे रहा है तो आपकी सिस्टम पे रिलायंस होनी चाहिए, ITGCs होने चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स। फिर जैसा मैंने अर्ज की कि आप उनसे अपने आईटी को भी इंगेज कर सकते हैं, आप उनसे डिस्कस करेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, ठीक है, आप जब डेवलप हो रहा था उसमें आपने कौन कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स किस किस तरीके से बनाए थे, वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो वो क्यूरी दे रहे हैं क्या वो सारी की सारी रेंज उस चार्ट ऑफ अकाउंट्स की उस क्यूरी में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, क्या वो यकम जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक सारे का सीरप पीरियड कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो अपने सारे डिवीजन का पीरियड को सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये इंपॉर्टेंट क्यूरीज हैं जो कि आप खुद भी एज अ लेमैन भी देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई SQL की क्यूरी है या किसी स्पेसिफिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यूरी है उसके लिए आपको डेफिनेटली अपना IT का ही बंदा इंगेज करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो आउटपुट निकलता है, अब उस आउटपुट में आप कैसे मेजर कर सकते हैं, लेट से जो GL का डंप निकला, क्योंकि क्या करते हैं ये आपका ओपनिंग ट्रायल मैंस लेते हैं, GL की मूवमेंट लेते हैं और खुद भी एक ट्रायल मैंस बनाता है सिस्टम जो क्लोजिंग बनाता है, वो उस क्लोजिंग बैलेंस को वो फिर मैच करता है आपके ट्रायल बैलेंस की बैलेंस से जो आप उसे देते हैं। तो ये डिफरेंट हैश टोटल्स, ठीक है, वो काउंट लाइन आइटम काउंट्स हो रहे होते हैं, हैश टोटल्स हो रहे होते हैं, जीरो बैलेंस की टेस्टिंग हो रही होती है, ये काफी सिस्टम के चेक्स हैं जो कर रहा होता है। जैसा मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन को आंसर किया था, वो इस तरह टेस्टिंग हो रही होती है और उसके बगैर डेफिनेटली आप मैनेजमेंट पे सोली रिलाई करके ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी का क्वेश्चन अगर नहीं है तो वी कैन थैंक अब्दुल्ला सर्वर। Please give a big round of applause for Abdullah Sahab. Thank you very much. It was an intensive 4-part presentation, and I hope that everyone has been. जी ये question पता नहीं आ रहा मेरे ख्याल में कौन कुछ ऐसे ना करा कि कुछ एंट्रीज जो है जनरल एंट्रीज और ऑडिटर भी कमाता है, तो उसमें भी स्पेसिफिकली मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जाती है,
तो ये किस खाते में जाएंगे? क्या करवाता है सर? ऑडिटर एंट्री करवाता है? ऑडिटर खुद एंट्रीज करवाता है टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, उसका जीपी सही नहीं आ रहा, उसका एलपी सही नहीं आ रहा, उसकी दूसरी चीजें सही नहीं आ रही, या पार्टी कह रही है कि मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऑडिटर कहता है कि इसको इस तरह से जनरल एंट्रीज डाल के तो चेंज कर दो, तो देन वो किस खाते में जाएंगे? सर वो फिर आईकैप के जो विजिलेंट डिपार्टमेंट है, सर्वेलेंस डिपार्टमेंट है, उसी के खाते में जाएंगी। मतलब वो तो फिर देखिए, ये तो सब इस बात पे चल रहा है कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट और फुली प्रोफेशनली एथिकल बंदा है, तो ऑब्वियसली अगर आईकैप ने क्यूसीआर किया और वो पकड़ा गया वहां से, तो फिर वो ऑब्वियसली आईकैप के रडार में तो आएगा ही आएगा। ये तो मतलब मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ? सर वो तो फिर ठप ऑडिट भी हो रहा है, वो तो कुछ किए बगैर भी ऑडिट ओपिनियन इशू हो रहे हैं, तो माजरत के साथ ये मैं इस पे कमेंट कर नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच फैसलाबाद, एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अब्दुल्ला सर फॉर गिविंग अस सर्टेन